हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं पिछली सीरीज को छोड़कर न्यू सीरीज क्यों ले आई हूँ तो वो इसीलिए क्योंकि उस सीरीज पर मुझे कॉपी आ रहे थे लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं उस सीरीज को बीच में छोड़ दूंगी बल्कि मैं उसे री करके दोबारा ऐसी अपलोड करने वाली हूँ और आगे भी कंटिन्यू रखूंगी पर दोस्तों इस प्रोसीजर में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए तब तक आप लोग मेरी न्यू सीरीज को इंजॉय करे जिसका नाम है फर्स्ट लाव जो की हाई स्कूल ड्रामा है इसमें हमारी फीमेल इट जी होंगे क्यूट फनी सिली और इनोसेंट सी गर्ल होती है जबकि हमारे मेन लीड रेंचो को स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो हर साल स्कूल में टॉप करता था लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही मसला है की न उसे लोगो ऐसी बात करना आता है ना मिलना जुलना और हंसना तो किस बला का नाम है ये तो उसे पता तक नहीं था तो चलो चलोग हमारी इस मजेदार सी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें अपनी फीमेल लीड को दिखाया गया जो कि एक पैसन के सामने खड़े होकर सोच रही थी कि आखिर इस पर कौन सी ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जाए इसके सामने चार ही ऑप्शन थे जिसे चूज करने में इसे काफी मुश्किल हो रही थी तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जब टीचर उसे डांट देती है की तुम मम्बलिंग क्यूँ कर रही हो तुम्हारी वजह ऐसी बाकी सब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे क्लिनिकल मेडिकल की स्टूडेंट थी जिसमें शायद उसका इंटरेस्ट नहीं था क्यूँकी उसके ग्रेड हमेशा ही लो आते थे खैर वो क्विज के सेकंड क्वेश्चन पर जाती है और फिर से इमेजिन करने लगी कि अपने पेशेंट को डील करने के लिए मैं किस ऑप्शन का चूज करूं? वो भी ये सोच ही रही थी कि वही टाइम अप हो जाता है और टीचर सभी से उनकी क्विज कलेक्ट करने वाली थी अब बिचारी और क्या करती है उसे अक्कड़ बक्कर बम्बे बो करके फटाफट से ऑप्शन लगाने पड़े टीचर ने भी उसे डांट दिया की तुम्हारा तो हर बार यही हाल होता है सारा टाइम वेस्ट कर देती हो और आखिरी दो मिनट में तुम्हें पूरा पेपर करना पड़ता है देते साथ ही उसे याद आया ओह नो बर्थडे केक और फौरन से भाग कर वहाँ ऐसी चली गई दूसरी तरफ हमें हमारे रंचो को दिखाया गया जो कि हैंडसम और स्कूल का टॉप स्टूडेंट होने के साथ साथ स्विमिंग में भी चैंपियन था लेकिन हमारा मिस्टर परफेक्ट अपनी दुनिया में ही रहता है क्योंकि ना उसके कोई फ्रेंड्स थे और ना ही उसे फ्रेंड्स बनाना पसंद है इधर हमारी जियो कॉरिडोर से भागते भागते हुए जा ही रही थी के तभी उसे एक लड़का बैग से पकड़ कर रोक देता है जिसका नाम जियान था जियोंग उसके सामने काफी अच्छे से बिहेव करती है क्योंकि वो उसके पाँच साल का क्रश था जिसकी आज बर्थडे है उसे एडवांस में बर्थडे विश किया और बताया की शाम को हम डिनर एक साथ करेंगे जिया को भी बता देना की वो लेट बिल्कुल ना हो जियान बोला के हाँ मिलना जरूरी है क्यूँकी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो की मैंने कई टाइम ऐसी अपने दिल में छुपा कर रखा था जियोंग दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि उसका भी मुझ पर क्रश है और फाइनली वो मुझे अपनी फीलिंग्स बता देगा जियान इसे मिलती देकर चला गया जो कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि स्कूल टाइम से ही इसे लेकर देता रहता था नेक्स्ट सीन में हमें डेजर्ट क्लब का सीन दिखाया गया जहाँ जियोंग ने जियान के लिए खुद ही अपने हाथों से केक बेक किया था एयरबर्ड्स लगाकर केक पर हर्ट साइन बनाने वाली थी और साथ ही स्कूल मेमोरीज को रिकॉल करती है जब वो एक दिन स्कूल में लेट हो गई थी और दीवार पलांगने की वजह से उसकी पैंट फट गई जिसे देखकर सभी गर्ल्स उस पर हंसने लगे उसे इम्बेसमेंट से बचाने के लिए जियान ने उसे अपनी शर्ट दे दी और बताया कि मैं सिर्फ तुम्हारा डेस्क मेट ही नहीं बल्कि तुम्हारा प्रोटेक्टर भी बंद कर दिखाऊंगा अब वो स्कूल टाइम ऐसी लेकर अब तक हमारी जियो को इतने अच्छे ऐसी ट्रीट करता है तो इसका भी उस पर क्रश तो होना ही था खैर ये सब सोचते सोचते इधर जियो ने केक आरोप रियल हर्ट की शेप बना दी जबकि उसे तो सिर्फ सैम्बल बनाना था अब वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी तो ऐसी वाली गलतियाँ तो होती रहेंगी इसी के साथ ही उसे गुजारा करना पड़ा नेक्स्ट सीन में वो केक लेकर झूलते झुलते हुए हॉस्टल जाते है और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी आखिर जियन से अपनी फीलिंग्स बताने वाला था इधर हमारा रेंचो क्लास के लिए लेट हो रहा था और वो तेजी तेजी से साइकिल चलाते हुए टाइम पर पहुंचने की कोशिश करता है अपनी तरफ से तो इसने काफी दौड़ लगाई हुई थी लेकिन तभी इसके सामने से अचानक जी आ जाती है और उसे देख कर इसे फौरन से ब्रेक लगाना पड़ा जियोंग ने भी फौरन से उसको सॉरी की और बताया की मैंने जान बुझ कर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह मेरा नाम जियोंग है और मैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट ऐसी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ अगर इस समय मैंने तुम्हारा कोई भी नुकसान किया है तो तुम कभी भी मुझ अपना एक्सपेंस लेने के लिए आ सकते हो रेंचो उसे इग्नोर करके जाने ही वाला था कि जियोंग उसे एक ट्रॉफी पकड़ाती है ये क्या करके ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उसे भी रेंचो नहीं लेना चाहता था पर जियोंग जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा कर वहाँ ऐसी भाग गयी इधर हाल में रेंचो का वेट किया जा रहा था जो कि लेट था इसलिए प्रोफेसर को ही सिचुएशन संभालनी पड़ी अभी वो हाल में इंटर हुआ और उसे अपने जूनियर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला स्टार्ट में तो सभी उसे क्वेश्चन करना चाहते थे पर जब एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि मुझे अपने ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आगे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए तो इस पर रेंचो ने उसे काफी स्ट्रिक्टली आंसर किया कि तुम्हारे इतने लो ग्रेड्स हैं इस पर तो तुम किसी भी फील्ड के लिए सुटेबल नहीं हालांकि उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे लेकिन ये देखने के बाद तो और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसने क्वेश्चन करने की कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी वो लड़की काफी नाराज नाराज सा बिहेव करती है जिस पर रेंचो ने एले से पूछा की मुझे ऐसा क्यूँ लगा इन सबको मुझसे डर लग रहा है एले कहने लगा की पिछले चार साल ऐसी तुम मुझे जानते हो लेकिन अभी तक तुमने मुझे वी चैट पर एड नहीं किया तो ये सवाल तुम मुझसे क्यूँ पूछ रहे हो नेक्स्ट सीन में जियोंग को दिखाया गया जो कि अपनी रूममेट शाओ को बहुत खुशी खुशी से बता रही थी कि आज शाम को जियाल मुझे प्रपोज करने वाला है मजे मजे से अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करती है और शाओ भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी लेकिन उसे समझाया की डिनर पे अपने साथ जिया को मत लेकर जाना हाँ मैं मानती हूँ की वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है पर अब इसका मतलब ये तो नहीं ना की तुम दोनों बॉयफ्रेंड भी शेयर करोगे और अगर इस बार जिया ने तुम्हें प्रपोज ना किया ना वो शर्माता रहा लड़कियों की तरह तो तुम ही उसे प्रपोज कर देना पर ये मौका हाथ से जाने मत देना सियोंग बोली मैं इतनी भी शर्म नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स पहले ही बता दू जहाँ तक जिया की बात है तो वो अच्छे से जानती है कि मैं पिछले पांच साल से जियान को लाइक करती हूँ खैर अब मुझे अपने हेयर वॉश करने हैं ऐसे ऑयली हेयर लेकर तो उसके पास नहीं जा सकती ना नेक्स्ट सीन में वो काफी अच्छे से तैयार होकर जियान से मिलने के लिए जाती है और तभी रस्ते में उससे शीशा नजर आया जिसे देख कर वो सीली सी क्यूट सी हरकते करने लगी जिसे वो शीशा समझती है वो एक विंडो मिरर थी और यहाँ रेंचो अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ कर उसके ये सिली एक्ट देख रहा था था। बाकी सब भी उसे देख रहे थे और रेंचो को तो वो पागल ही लगी सु ने बताया कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है जियोंग डेजर्ट क्लब की एक लोती मेंबर भी है जिसमें अभी तक वो और मेंबर्स नहीं ला सकी रेंचो ने जब जियोंग का नाम लिया तो सू से पूछने लगा की क्या तुम उसे जानते हो जिस पर वो बोला की हाँ हम दोनों का मिलना एक एक्सीडेंट था इस पर सू भी उसका मजाक उड़ाने लगा की तुम अपनी क्लास में तो किसी को जानते तक नहीं और दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की याद रह गयी उधर जियोंग डिनर टेबल आरोप पहुँच गयी जहाँ ना तो थी और ना ही ज्ञान कहीं नजर आ रहा था तभी ज्ञान उसके सामने आया काफी ड्रंक हालत में इससे जियो को लगा कि शायद वो शर्मा रहा होगा इसलिए तो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उसे ड्रिंक करनी पड़ी उससे कहने लगा कि तुम्हें पता है जब हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो उसे छुपाना कितना मुश्किल होता है मैं अब मजीद तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता और सब कुछ बता देना चाहता हूँ जियोग भी बोली हाँ हाँ छुपाने की क्या जरूरत ब्रेम बनकर मुझे सब कुछ बता दो जियान ने बताया की ही वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ वो फीलिंग जो मेरे दिल में उसके लिए आई कभी भी किसी लड़की के लिए नहीं आई लेकिन वो मुझसे नाराज होकर चली गई बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मजीद ये बात छुपा कर नहीं रख सकता था ये बात तो हमारी जियोंग पर बनकर गिरती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही उसको धोखा दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि पिछले दो साल से वो दोनों डेटिंग कर रहे थे जबकि जिया को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जियोंग स्कूल टाइम से ही जियान को लाइक करती है चाहे उससे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ लेकिन इसके बावजूद भी वो कहने लगी कि जिया बहुत अच्छी लड़की है तुम उससे एक बार प्यार से बात करो वो वापस आने के लिए मान जाएगी इसके बाद जियान जिया को कॉल करके उसके साथ बात करने के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ हमारी जियोंग का रोना बंद नहीं होता साथ ही वो मेमोरीज को सोचती है जब उसने पहली बार जिया को जियान से मिलाया था और उसे ये भी बताया था की ये वही लड़का है जिसे मैं सीक्रेटली लाइक करती हूँ उसने तो कभी सोचा भी नहीं था की उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे इस तरह का धोखा देगी और जियान भी उसे यहाँ अकेला छोड़कर जिया के पास चला गया फिर वो खुद ही केक निकाल कर उसे खाना शुरू कर देती है और दिल खोलकर रोती रही रही आखिर क्यों ना रोती पाँच साल से वो जिस लड़के को पसंद करती थी आज वो किसी और का हो गया ड्रंक होकर वही सो जाती है और थोड़ी देर में ही उसे लेने के लिए शाओ आई उसे उठाते हुए पूछने लगी कि तुम तो कह रही थी जान तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने वाला है तो जिया और जियान दोनों कहाँ है इसका जवाब दिए बगैर जियोंग ने रोना शुरू कर दिया उसे वॉमटिंग आ रही थी और तभी शाओ शाह लेकर वॉशरूम आ गई वॉमटिंग करने के साथ साथ उसे बता रही थी कि मैंने पिछले पाँच साल से जियान को लाइक किया और वो मेरे पीठ पीछे मेरी दोस्त के साथ डेटिंग कर रहा है ये बात तो जिया भी बहुत अच्छे से जानती थी फिर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया ये सब सुनने के बाद शाह उसे रिलैक्स करती है कहने लगी जाने दो उन दोनों दगाबाजों को और तुम्हारे लिए लड़कों की कमी थोड़ी है क्या तुम स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का पटाना इस बात से तो जियो को भी मोटिवेशन मिली कहने लगी मेरा मोबाइल दो मैं अभी के अभी स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का सर्च करती हूँ सर्च करने पर उसे पता चला कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का रंचो है और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लड़के को पटा कर दिखाऊंगी फिर जैसे ही उसने डोर ओपन की वहाँ खड़े सभी बॉयज ने उसकी बात सुन ली थी इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जियोंग जब अपने रूम से बाहर आती है कल रात का सब कुछ भूल भाल कर तो लड़कियां उसके सामने आकर उसे डांटने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम हमारे क्रश क्रशो को पटाओगी उनसे बात कर इसने खुद को रूम में लॉक कर दिया और तभी हमें फ्लैश बैक ऐसी दिखाया जाता है की उन लड़कों ने तो इसकी बातें सुनी ही थी लेकिन साथ साथ रेंचो भी वही मौजूद था क्यूँकी जियोंग उस वक्त जेंट वॉशरूम में थी और रेंचो वॉशरूम ऐसी निकल कर आते हुए कहने लगा की कोशिश करके देख लेना सोशल मीडिया पर भी से काफी नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले और तो और उसे अपनी क्लास में भी मुंह जाना पड़ा क्योंकि सब उसे बुरी बुरी नजरों से घूर रहे थे और तभी उसका एक क्लास वेलो आता है उसे फॉर्म साइन करवाने के लिए जिसे वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी की मैं रेंचो को नहीं जानती और ये जानने के बाद वो तो सिर्फ यहाँ फॉर्म सबमिट करवाने के लिए आया था एम्बेरसमेंट के मारे यहाँ ऐसी भी भाग गई रेंचो ऐसी मिलने के लिए स्विमिंग पूल चली गयी जहाँ उसे एक लड़का डूबता हुआ नजर आया और फिर फौरन से उसे बचाने लगी जबकि ये हमारा रेंचो ही है कोई डूब नहीं रहा था बल्कि मजे लेकर तैर रहा था उल्टा जियोंग को ही स्विमिंग पूल में गिरा दिया जिससे स्विमिंग करनी नहीं आती थी इसलिए खुद ही उसको बचाना भी पड़ा फिर उससे टाउल पकड़ाने के बाद पूछता है की तुम यहाँ क्या करने आई हो जिस पर वो बोली की मुझे लगा तुम डूब रहे हो इसलिए तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और तुम पागल हो क्या भला ऐसे पानी में लेट कौन सा होता है खाम खाम मुझे भी डरा दिया खैर मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी की हम दोनों के बारे में काफी रूमर्स फैल गए हैं तो मुझे लगता है कि हम दोनों को सबको एक्सप्लेन करना चाहिए रेंचो बोला इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और फिर तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मुझे पटाना चाहती हो वो कहने लगी कि उस वक्त तुम्हें ड्रंक थी इसलिए कुछ भी बक दिया मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यकीन नहीं आता तो मेरे बाल देखो कितने ऑयली है मैं वॉश तक करके नहीं आई और ना ही मैंने मेकअप लगाया तुम ऐसी मिलने के लिए आते हुए रंचो उसे अपना हाथ छुड़ाना चाहता था और इसी दौरान उसने जियो को अपनी तरफ खींच दिया इसके बाद उसे अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा और बताया की वॉशरूम में जाओ शावर लेने के लिए इससे जियो को तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था रेंचो ने उसे शॉवर लेने के लिए कहा ये कह कर कि मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी से जाओ जबकि वो तो इसे गलत ही समझ बैठी चिल्ते हुए कहने लगी तुम पागल हो गए हो क्या तुम्हे लड़के लड़की में फर्क नजर नहीं आता भला मैं तुम्हारे साथ शॉवर कैसे लूंगी इस पर रेंचो उसका सर पकड़ लेडीज वॉशरूम की तरफ घुमा देता है जिसे देख कर बेचारी जियो को तो बहुत ही ट हुई रेंचो ने उसे अपने कपड़े भी दिए कि शावर के बाद इसे चेंज कर लेना और अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना नेक्स्ट सीन में जियोंग उसके कपड़े पहनकर क्लास में जा रही थी और तभी उसे सब घूर घूर कर देखते है की ये वही लड़की है ना जो रेंचो को पटाने की बात कर रही थी जब जियोंग ने पीछे मुड़ कर देखा तो रेंचो उसके साथ चल रहा था इसलिए तो सब उसे ऐसे घूर घूर कर देखते हैं ये देख तो जियोंग तेजी ऐसी चल कर उससे जान छुड़ाना चाहती थी पर रेंचो उससे भी तेज चलने लगा असल में वो ये दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर कर रहा सभी सियोग को बुरा भला कह रहे थे कि कितनी बेशरम लड़की है अभी भी रेंचो के पीछे पीछे चल रही है उसको पटाने से बाज नहीं आई अब सियोंग भाग कर रेंचो से आगे निकलने की कोशिश करती है सबको ये दिखाने के लिए कि मैं उसके पीछे नहीं चल रही बल्कि वो मुझे फॉलो कर रहा है अगले सीन में टीचर सभी को वो क्विज वापस करती है जो हमारी सियोग ने अक्कड़ बकड़ बम्बे बो करके दिया था साथ ही कहने लगी की टीचर में तुम लोगो को रिलेशनशिप में आने ऐसी मना नहीं करती पर एज ऐसा मेडिकल स्टूडेंट तुम लोगो को अपने ग्रेड्स का ख्याल रखना चाहिए बात पर तो सब जियो की तरफ घूर घूर कर देखने लगे क्योंकि सिर्फ उसी के बारे में रूमर्स फैल चुके थे जबकि वो बेचारी सोचने लगी कि मैं तो रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ फिर मुझे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है यहाँ टीचर ने रंचो को क्लास में बुला लिया और उसे बताया की वहाँ पीछे जाकर बैठ जाओ जिसे देख कर हमारी जियोंग तो बड़ा झटका लगा और ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी की रंचो उसको देख कर फेक स्माइल करता है हालांकि इससे पहले उसने कभी भी स्माइल नहीं किया जियोंग इस साइड बैठ कर अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी इसलिए वो शॉक को सीट ज करने के लिए कहती है पर टीचर ने दोनों को ही टोक दिया फ्लैश बैक हमें दिखाया जाता है रेंचो ने सोशल प्रैक्टिस में बहुत बुरे ग्रेड लिए थे पर एले ने उसे समझाया की तुम्हारे फ्यूचर को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा और बुरे ग्रेड उसके क्यूँ न आते सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करना है ये तो वो जानता तक नहीं था लेकिन चाहे ये ग्रेड्स उसके फ्यूचर को इफेक्ट करे या ना करे पर उसे लो ग्रेड्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसलिए उसने फैसला किया कि मैं ये सब्जेक्ट दोबारा पढ़ूंगा एलेन ने उसे समझाया कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो कम से कम लोगों से इंटरेस्ट करना सीखो नहीं तो एक छोटी सी स्माइल ही दे दिया करो इसीलिए तो वो आज इतना सा बिहेव कर रहा था जियोगे स्माइल करते हुए देख कर शाओ से कहने लगी की कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गयी जरा तुम भी देखो क्या वो वाकई स्माइल कर रहा है फिर क्लास खत्म होते साथ ही जियोंग वहाँ ऐसी भाग जाती है क्यूँकी वो इस बिन बुलाई मुसीबत को और फेस नहीं कर सकती नेक्स्ट सीन में वो अपने घर आती है जहाँ मोमो ऐसी देख कर जीन के बारे में पूछती है क्यूँकी इससे पहले वो हर बार जियान को अपने साथ लेकर जाया करती थी हिम्मत करके जियोंग ने उनको भी सब कुछ बता दिया कि अब जरूरी तो नहीं कि वो हर बार मेरे साथ आया करेगा आखिर उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है उसे उसको भी तो टाइम देना होगा अब माँ तो आखिर माँ ही टहरी उसे हक करते हुए बोली कि हाँ वैसे भी वो मेरी बेटी के लायक नहीं था मेरी बेटी के लिए तो कोई शहजादा ही आएगा डैड भी उसे यहाँ देख कर काफी खुश हुए फिर उसके लिए स्पेशल राइस लेने को चले गए इधर रेंचो ऑनलाइन फ्रूट की शॉप ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आया क्योंकि एले ने उसे कहा था कि तुम्हें शॉपिंग करके लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए और उसे क्या पता था कि जियोंग भी यहाँ मौजूद होगी और जोन भी उसे देख कर फोरन ऐसी यहाँ ऐसी भागने लगी तभी उसे याद आया ओ शीट ये तो मेरा ही घर है उसके हाथ ऐसी जाकर फ्रूट ले लेती है ये कह कर के मैं इसे सेल नहीं कर रही रेंचो बोला की मैं तुमसे फ्रेंडली बिहेव कर रहा हूँ क्यूँकी मुझे सोशल प्रैक्टिस में अच्छे ग्रेड लेने हैं जब उसके मार्क्स पता चले तो उस पर हंसने लगी की बला ये भी कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है जिसमे तुमने इतने लो ग्रेड ले लिए दूसरी तरफ ऐसी उसे ज्ञान भी आते हुए नजर आया और वो सोचने लगी की पता नहीं आज कौन सा बुरा दिन है मेरा फौरन ऐसी जाकर पीछे चुप जाती है जियान रेंचो से हेलो हाय करके उससे जियोंग के बारे में पूछने लगा जबकि जियोंग ने उसे मना किया था कि मेरे बारे में उसको मत बताना अभी भी इशारा करके उसे स्टिल मना करती रही लेकिन फिर भी रेंचो ने उसे बता दिया जियान जियोंग को सॉरी करता है कि कल मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे और जिया के बीच के हालात फिर से ठीक हो गए इसलिए मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करना चाहता हूँ उसने बिजी होने का बहाना करके जाने के लिए मना कर दिया पर रेंचो बोला की इसकी जगह मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए आऊंगा अब जियोंग सोचने लगी की ये कल रात के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बक दे इसलिए वो भी साथ जाने के लिए राजी हो गई अगला सीन हमें डिनर का दिखाया गया जहाँ जियोंग उनको कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ और अब मेरा ख्याल रखना छोड़ दो कहीं ये ना हो कि मुझे दोबारा से गलत फहमी हो जाए सिया उसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारे और रेंचो के बारे में जो बातें चल रही है वो सब सच है उसके कुछ भी कहने से पहले ही रेंचो ने हाँ कर दी वैसे उसे पता नहीं था कि इस वक्त उसे क्या बोलना चाहिए पर इतना जरूर जानता था कि उसे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए जियोंग ने उसे ये कह कर चुप करवा दिया कि खाने पर ज्यादा फोकस करो और बोलने पर कम नेक्स्ट सीन में जियोंग को वॉशरूम में दिखाया गया जहाँ जिया भी उसके पीछे पीछे चली आई बिकोजों से जियोंग ऐसी अकेले में कुछ बात करनी थी उसे गिफ्ट में एक लिपस्टिक दी बताया की तुम्हारे और रेंचो के लिए बहुत खुश हूँ रेंचो एक बहुत अच्छा लड़का है वो कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा जियोंग पहले तो खामोशी ऐसी खड़े उसकी सारी बातें सुन रही थी लेकिन फिर अचानक ऐसी उस पर चेहते चिल्लाते हुए कहने लगी की तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझसे वो लड़का छीन लिया जिसे मैं पिछले पाँच साल से चाहती थी थी सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने दिल की सारी बड़ास निकाल दी लेकिन तभी हमें पता चला कि वो सब सिर्फ जियोंग सोच रही थी उसने जिया से कोई भी बदतमीजी नहीं की नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट से वापस आते हुए जियान जिया को अपनी जैकेट पहना देता है उसे ये कहकर कर कि तुम्हें ठंड लग रही होगी जबकि बेचारी जियोंग उन दोनों को सैड होकर देखती रही और ये रेंचो को भी, भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसीलिए उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है की मेरी स्माइल ठीक लग रही थी ना फेक तो नहीं लगती पर जियोंग की नजर उन दोनों से हटने वाली कहाँ थी आखिरकार तो रेंचो ने उसको उठा ही लिया ये कहकर इन दोनों को देख कर अपना टाइम वेस्ट मत करो फौरन से घर चलो जिये बार बार खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है लेकिन इस बार रेंचो भी उसकी एक नहीं सुनता पर कहीं न कहीं जियोंग को भी ये बात रियलाइज हुई कि रेंचो ने उसे यहाँ से ले जाकर इम्बेस होने से बचा लिया नेक्स्ट सीन में जियोंग स्क्रोल करते हुए जियान और जिया की पिक्चर एक साथ देख लेती है जिसे देख कर वो काफी ज्यादा सैड हो गयी शाओ भी उसे मैसेज करके बता रही थी की मैंने तुम्हें कहा था ना इस जिया को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस मत करो अब देखा तुमने उसने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दे दिया लेकिन हमारी जियोंग ने भी खुद से वादा कर लिया कि मैं जियान को पूरी तरह से भूल जाऊंगी अगली सुबह जियोंग हैप्पी होकर लंच करने के लिए बैठती है जहाँ उसे कुछ लड़कियाँ देख कर कहने लगी कि यह रंचो की गर्लफ्रेंड इतनी भी तो प्यारी नहीं उनकी बातें सुनकर जियोंग फोन निकालती है अपनी शक्ल देखने के लिए तभी उसे पीछे रंचो बैठा हुआ नजर आया बेचारी सोचने लगी कि जितना मैं इससे जान छुड़ाती हूँ उतना ही इससे आमना सामना हो जाता है फिर जब रंचो ने उसे माउथ वाइप करने के लिए ट्यूशू दिया तो बाकी सब और भी इनके बारे में बातें करने लगे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ज्यादा ख्याल रखता है इवन के नाराज होने के बावजूद भी आफ्टर दैट जियोग डायरी में लिखती है कि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केक बेक किया है ये डायरी वो रेंचो की तरफ फेंक देती है लेकिन वो इसे खोल देखता तक नहीं तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं जियोंग के पास बैठने के लिए पर ये जानने के बाद के ये रेंचो की गर्लफ्रेंड है उनकी हिम्मत ही नहीं होती इसके साथ बैठने की रेंचो ने उनको अपनी सीट दे दी और खुद जाकर जियोंग के पास बैठ गया वो डायरी वही छोड़कर वो लड़का डायरी देखने के बाद फौरन से इसके पास ले आया कहने लगा ये रही आपकी डायरी आपकी गर्लफ्रेंड ने लिखा है कि उसने आपके लिए केक बेक किया है ये सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी लोग हंसने लगे और रंजो कहने लगा कि ये तो तुम मुझे वी चैट पर भी बता सकती थी जिस पर जियोंग बोली कि मेरे पास तुम्हारा वी चैट एड्रेस नहीं था और ना ही मैं तुम्हें ऐड करना चाहती हूँ वो बोला ठीक है मैं सू को बोल दूंगा वो तुम्हें मेरे घर का एड्रेस सेंड कर देगा नेक्स्ट सीन में जियोंग केक लेकर एक बार में आ गई थी और सू से पूछती है कि तुमने मुझे सही एड्रेस दिया था ना ये किसी का घर तो नहीं लग रहा जिस पर सुबह आते हुए कहने लगा कि हम सब यहाँ गैदरिंग करने आए थे इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें यही बुला लूँ बाकी सब अभी तक नहीं आए तुम अंदर आओ ना मैंने सुना है की तुम काफी अच्छी सिंगिंग करती हो आज मैं भी जरूर सुनना चाहूंगा सियोग उसके साथ जाने के लिए मना करती है पर सू ऐसी जबरदस्ती ले गया आफ्टर दैट हमें उसे सिंगिंग करते हुए दिखाया गया उसे तो लग रहा था की मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करती हूँ लेकिन यहाँ बेचारे सू के कान पट रहे थे इसी भी तरह करके उसे खामोश करवा देता है इसके बाद बाकी सब भी वहाँ पहुँच आए लेकिन रंचू कहीं नजर नहीं आ रहा कुछ ही देर में रेंचू भी वहाँ पहुँच आया जिसके पीछे भागते भागते हुए एक लड़की आ रही थी उसे ये करके मेरे लिए वेट करो ना जियोंग को तो ये लड़की रेंचो की गर्लफ्रेंड लगी और सुने जैसे ही बताया की जियोंग भी यहाँ मौजूद है इससे पहले पहले की वो लड़की इसे देख पाती है फौरन ऐसी चुप गयी सभी उसको गायब देख हैरान परेशान हो गए और वो लड़की भी पूछती है की ये वही जियोंग है ना जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं कहाँ है वो नजर तो नहीं आ रही उसके पास जाकर कहने लगा कि तुम यहाँ चुप कर ऐसे प्रेटेंट कर रही हो जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं अब जियोंग भी फौरन से उठ खड़ी हुई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि रेंचो ने उसे बाहर आने का कहा यह कह कर के शर्माने की कोई जरूरत नहीं वो लड़की भी काफी सीरियस फेस के साथ इसकी तरफ बढ़ने लगी जियोंग को तो इसलिए भी डर लग रहा था की शायद ये रेंचो की गर्लफ्रेंड है और अब मेरी तो खैर नहीं वो पूछती है की क्या तुम ही वो लड़की हो जिस पर जियोंग कहने लगी नहीं, नहीं नहीं आई स्वेर मैं हूँ ही नहीं वो क्लियर करने की कोशिश कर रही थी की मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और साथ ही इस लड़की ने उसे सिस्टर इन लॉ कह दिया रेंचू ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया की ये मेरी कजन जीनियो है और जीनियो भी कहने लगी की मैंने अपने भाई के रिलेशनशिप के बारे में सुना था इसलिए तो चली आई अपनी भाभी को देखने के लिए बिचारी जियोंग अभी भी उसे क्लियर करने की कोशिश कर रही थी की मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ लेकिन वो इसकी सुनती ही कहाँ है नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए जियोंग को अकेले जाना पड़ रहा था लेकिन जब वो लिफ्ट में इंटर होती है तो वहाँ रेंचू भी पहुँच आया जियोंग ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए जिस पर वो बोला कि वहाँ काफी नॉइस है इससे तो बेहतर है कि मैं घर जा कर कुछ एक्सरसाइज करूँ क्या तुमने आज अपने हेयर वॉश किए थे जिस पर जियोंग ने उसे नो का जवाब दिया की नहीं तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितने ऑयली है आफ्टर दैट दैटो ने उसे पूछा की तुम्हें ड्राइविंग करनी आती होगी असल में मैंने ड्रिंक कर ली थी इसलिए मेरा ड्राइविंग करना सेफ नहीं क्या हम दोनों साथ चल सकते हैं हालांकि उसने सिर्फ वाइन चेरी केक ही खाया था लेकिन वो रूल को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इसलिए जियोंग को भी उसकी बात माननी पड़ी इसके बाद स्कूटी पर जाते हुए कहने लगा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुमने हेयर वॉश नहीं किए जियोंग को भी बड़ा आया कि ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया बोली मैंने इसलिए तो वॉश नहीं किए थे ना कि तुमसे मिलने आ रही हूँ और वैसे भी मैं बड़ी हूँ अगर हेयर वॉश करूँ तो इसमें क्या बुरा है हम किसी और बारे में बात नहीं कर सकते रंजो फिर से कहने लगा की तुम्हें पता है तुम्हें सिंगिंग करनी नहीं आती ये भी फौरन ऐसी कहने लगी की क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम्हारी की तुम्हारी जुबान कितनी तेज है उन्हें तो चाहिए की तुम्हें घर में बांध कर रखे वरना तो हर वक्त मैसी क्रिएट करते रहोगे और तुम्हें बता दू की इस तरह तो तुम कभी भी अपने सोशल प्रैक्टिस का टेस्ट पास नहीं कर सकते बातें करते करते ये दोनों स्कूल हॉस्टल तक पहुंच आए जिसका गेट बंद हो चुका था और रेंचो ने उसे ही ब्लेम कर दिया कि तुमने ही स्लो चलाया ना अगर थोड़ा सा फास्ट चला लेती तो हम टाइम पर पहुंच जाते वो भी इसे घूर घूर कर देखने लगी कि हर वक्त मुझे ही ब्लेम करते रहना खुद तो जैसे परफेक्ट हो वो गेट पर चढ़ कर अंदर जाने की कोशिश करती है और इधर रेंचो ने गार्ड को कॉल कर दी उसके लिए डोर ओपन करने को गार्ड लेडी ने उसे समझाया की आइंदा टाइम पर आने की कोशिश करना और जियोंग ने जाते हुए रेंचो से कहा की हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका अब अपने काम से काम रखना आफ्टर दैट वो अपने रूम में इंटर होती है जहाँ शाह ने उसे कहा कि इतनी देर तक कहाँ रह गई थी खैर अब जल्दी से सो जाओ और सोने से पहले लाइट ऑफ कर देना वहीं सियोग को जिया का मैसेज आया जिसने उसे डिनर ट्रीट किया था एंजॉय करने के लिए लेकिन तभी उसे रेंचू की बात याद आई की हर इंसान की काइंडनेस जेंटलनेस और पेशेंस सिर्फ लिमिटेड ही होती है जो उसे अपने ट्रू फ्रेंड्स के लिए सेव करके रखनी चाहिए इसके अलावा किसी के साथ अपना टाइम और फीलिंग वेस्ट करने की जरूरत नहीं जियोंग ने भी जिया को रिप्लाई दिया की मैंने तुम दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ नए फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ इधर रेंचो के आने पर सू पूछा के तुम तो जियो के साथ जल्दी निकल गए थे ना फिर इतनी देर से क्यों आए और वैसे एक बात बताओ अगर तुम्हें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो स्कैंडल को सोल्व करो ना उस लड़की को ऐसे टेस्ट करने की क्या जरूरत बेचारी सारा दिन परेशान रहती है जबकि इधर ये मिस्टर तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था की हर चीज में जीरो सिंगिंग ड्राइविंग लिम्बिंग असल में वो जियो के बारे में ही सोच रहा था कहीं न कहीं उसे लगता है की वो लड़की सब कुछ कर सकती है पर ऐसा कुछ तो जरूर है जो उसे रोक रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जियो की क्लास वालों उसे उठाती हुए कहती है कि तुम मजे की नींद सो रही हो तुम्हें पता भी है कितनी बुरी खबर फैल चुकी है तुम्हें और रेंचो को लेकर और वो खबर ये थी कि कल रात देर तक रेंचो के साथ बाहर रही बेचारी जियोंग भी परेशान हो गयी की अभी तक पिछले मसले हल हुए नहीं थे और एक नई मुसीबत खड़ी हो गयी तभी उसे एक आइडिया आया पेन पेपर लेकर कुछ लिखने लगी और इसके बाद वो क्लास में चुपकी चुपाती हुई जाती है रेंचो के पास वो भी जियोंग को देख हैरान हो जाता है जिस तरह ऐसी वो विंडो क्लोज करने की कोशिश कर रही थी और फिर रेंचो के पास बॉस एटीट्यूड में आकर बताती है कि ये हमारा स्कैंडल एलिमिनेशन प्लान है इस पर साइन करो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि क्लब को ज्वाइन करने के लिए एक लंबी छोड़ी लाइन लगी हुई थी लेकिन वो सभी लड़कियाँ सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहती है क्यूँकी उनको लगता था की यहाँ रेंचो आता जाता रहेगा और जियोंग जिसके मुँह ऐसी रेंचो का नाम सुनती उसे वापस भेज देती आखिरकार तो सबको चिलते हुए कहने लगी की मेरा रेंचो ऐसी कोई लेना देना नहीं और ना ही वो यहाँ आएगा जो बेकिंग क्लब को सिर्फ रेंचो की वजह से ज्वाइन करना चाहते थे तो वो वापस चले जाएं। जिसे जाना था वो तो चली गई लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है रेंचू की जिसे देखकर हमारी जियोंग को फ्लैशबैक का सीन याद आया जियोंग ने उसे बताया था कि तुम इस पर साइन कर दो ताकि हम सबको क्लियर कर दे कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं तुम्हारी वजह से मुझे अपनी क्लास में चोरों की तरह चुपना पड़ रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा ना सब कुछ तो मेरे ग्रेड लो हो जाएंगे रेंजू ने उसे पिछले सेमेस्टर के ग्रेड पूछे जो की सी ग्रेड था कहने लगा की पिछले सेमेस्टर में तो ऐसे कोई रूमर्स नहीं थे ना फिर भी तुम्हारे लो ग्रेड है और क्या गारंटी है कि इस पर साइन करने के बाद तुम्हारे ग्रेड अच्छे हो जाएंगे बोली जो भी है लेकिन तुम्हारी वजह से सब टीचर भी मुझे घूर घूर के देखते हैं अगर एग्जाम्स के दौरान भी वो मुझे ऐसे घूर घूर कर देखते रहे तो फिर तुम्हें एक लफ्स भी नहीं लिख सकूंगी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ ने रंजो को देख कर मुँह चुपा लिया और फिर उससे बात किए बगैर वहाँ ऐसी भाग गई वो भी इसके पीछे पीछे जाने लगा सियंग बोली की मैंने तुम्हें कहा था की हम दोनों एक साथ लोगो को नजर नहीं आने चाहिए और तुम हो के अभी भी मेरे पीछे आ रहे हो वो बोला की मुझे एंटोमी क्लास में जिबाई की हेल्प चाहिए और उसके पास फोन तो होता नहीं उसने कहा था कि जब जियोंग प्रैक्टिस करने के लिए आएगी तो तुम भी उसके साथ आना जियोंग कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मुझे हेड का यूज करना पड़ रहा है मेरे क्लास फेलोज को लगता है कि शायद मैं हेयर वॉश करके नहीं आई सभी मुझे घूर घूर कर देखते हैं वो बोला कि तुम सेलिब्रिटी की तरह लगती हो ना तभी तो सब तुम्हें घूर घूर कर देखते हैं खैर उसकी जुबान तो है ही लंबी जियोंग कहने लगी कि हम एक दूसरे को वी चैट पर एड कर देते हैं और हमें जब भी काम के सिलसिले में मिलना होगा तो किसी सीक्रेट जगह पर मिलेंगे क्यू आर कोड स्कैन करने के लिए रेंचो उसके पास बैठ जाता है बेंच पर और जैसे ही जियोग ने अपनी क्लास फेलो को आते हुए देखा वो एक लंबी सी जंप लगाकर वहां से भागते हुए चली गई। नेक्स्ट सीन में वो रेंचो को चुपके छुपाते हुए लेबोरेटरी लेकर आती है से मिलाने के लिए कहने लगी ये रहा मेरा सीनियर बहुत सीरियस किस्म का इंसान है जिसे रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं पसंद और अपने काम से ही काम रखता है सिबाई भी जियोंग को देख कर कहने लगा की वाह आज तो तुम टाइम आरोप आ गई हो और अपने साथ साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी ले आई बेचारी जियोंग किस किस को समझाए की ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है वैसे इससे रंचो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर प्रैक्टिस के दौरान भी जियोंग रेंजो को देखती रही की इसे कुछ भी नहीं हो रहा वैसे तो हॉस्ट्रोलमी की पहली क्लास लेने आरोपिंग करता है इसके साथ ही वो खाबो ख्यालों में चली गयी के प्रैक्टिस करवाते करवाते वो रेंजो को वॉमिटिंग करने आरोप मजबूर कर देती है और साथ ही उसकी वीडियो भी बना ली फिर उसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुमने स्कैंडल इलिमिनेशन प्लान पर साइन ना किया तो मैं ये वीडियो स्कूल में सबको दिखा दूंगी रेंचो भी उसकी भीख मांगने लगा कि नहीं नहीं प्लीज तुम जो कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा लेकिन ये वीडियो किसी को मत दिखाना ये देख कर वो जोर जोर से हंसने लगी और इधर जिबाय उसको टोक देता है की पागल हो गयी हो क्या अपनी प्रैक्टिस आरोप फोकस करो अगर फेल हो गयी ना तो खाम खा मेरी बेस्ती हो जाएगी जबकि रेंचो भी उसे घूर घूर कर देख रहा था कहने लगा की मुझे ऐसा क्यूँ लगता है की तुम्हारा सारा ध्यान फजूल बातों पर होता है इसलिए तो तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आ रहे सियंग उसे रियल में भी ह्यूमन हर्ट दिखा कर डराने की कोशिश करती है कि शायद वो वॉमिटिंग कर दे पर इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा जिबाय उसको इतना कॉन्फिडेंट देख कहने लगा कि रेंचो ने काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया क्यूँकी टाइम में उसने वॉमटिंग की थी थींग भी सुनकर खुश हो गई कहने लगी क्या वाकई ही तुमने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी जिस पर कहने लगा कि तुम जानती तो हो कि मैं फोन यूज नहीं करता हाँ लेकिन सिक्योरिटी फोटो जरूर पड़ी होगी अब ये सुनकर तो जियोंग और ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके जरिए मैं इसको ब्लैकमेल करूंगी और वो डॉक्यूमेंट साइन करवा लूंगी आफ्टर दैट रेंचू से कहता है की तुम्हारे पास तो काफी सारा नॉलेज है मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखा जिस पर जियोंग बोली की फिर भी मैं एनाटॉमी की क्लास में कंफ्यूज हो जाती हूँ और आज तो दो क्लासेज का एक साथ ओरल टेस्ट है रेंचो बोला की मुझे तुम पर यकीन है तुम कर सकती हो और वो भी सुनकर काफी हैरान हो गयी क्यूँकी इससे पहले उसे ऐसी मोटिवेशन किसी ने भी नहीं दी थी नेक्स्ट सीन में ओरल क्विज होने वाला था और टीचर ने दोनों क्लास को मिलाकर ग्रुपिंग कर दी थी ताकि चीटिंग ना हो सके बेचारी जियोग इन दो लड़कों में फंस कर रह गई और टीचर पहला सवाल भी उसी से ही करती है इवन की उसे आंसर आता था ये बात रेंचो भी जानता है पर टीचर को देखकर वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई कि सब कुछ ही भूल जाती है उसी क्वेश्चन का आंसर कड़ा होकर ज्ञान कर देता है और इधर पीछे लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगी कि इसे तो कुछ भी नहीं आता हमेशा सिर्फ अपनी लव लाइफ पर ही फोकस रखती है जियोंग ने टीचर से कहा कि आप प्लीज मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। लेकिन जब टीचर ने, ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो उसका भी आंसर जियोंग से भूल गया था अब तो टीचर ने भी उसे डांट दिया की तुम अपनी लव लाइफ को छोड़कर थोड़ा सा स्टडी पर भी फोकस करो जो की के रंचो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो भी खड़े होकर एक क्वेश्चन कर देता है जिसका आंसर किसी को भी नहीं आ रहा था और वो टोट मारते हुए कहने लगा की मुझे ऐसा लगता है की इस क्लास कोई भी स्टडी पर फोकस नहीं कर रहा क्लास ओवर होते साथ ही जियोंग वहाँ से भागते हुए चली गई जियान भी उसके पीछे जाना चाहता था मगर जिया ने उसे जाने से रोक दिया कहने लगी कि हम दोनों कपल हैं और सभी ये बात अच्छे से जानते हैं अब जियोंग का भी हमसे दूर रहना नॉर्मल बात है वक्त के साथ साथ वो खुद ही चीजों को हैंडल करना सीख जाएगी मुझे लगता है की हमें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसकी बात मानकर जियान भी उसके पीछे नहीं जाता और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के फोर्थ एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि के, के पास आता है जिसे देखकर कर ये कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आ गए और वो बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ की तुम्हे सारे सवालों के जवाब आते थे लेकिन फिर भी तुम कन्फ्यूज हो गयी और टेस्ट फेल कर दिया ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जियोंग बोली तो तुम्हे क्या मसला है मैंने अपने आप को इम्पेस किया तुम क्यूँ अपसेट हो रहे हो और मैंने कहा तो था की हम दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी पिक्चर ले तो रेंचो ने उसे एक साथ स्कूल से बाहर जाने के लिए कहा वही जहां वो जाना चाहती हो इस पर जियोंग भी मान गए फिर दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर देते हैं और रेंचो ने उसे एक क्यूट सी मोजी सेंड की नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को सुपरमार्केट में देखते हैं जहां जियोंग चीजों को देखकर काफी ऑब्सेस्ड हो रही थी कहने लगी कि आई विश मैं इस सोफा को अपने बेकिंग क्लब के लिए खरीद पाती रेंचो बोला कि ये सोफा एक्सपेंसिव तो नहीं जिस पर जियोंग कहने लगी कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि एग्जाम टफ नहीं होता वो भी कहने लगा की हाँ इसमें कोई शक नहीं की एग्जाम टफ नहीं होता अगर आपकी फुल तैयारी हो वैसे ये बात तो मैं जानता था कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब आते थे लेकिन इतना नर्वस क्यों हो गई थी और आज मुझे देखकर ऐसा क्यों लगा कि इस वजह में कहीं न कहीं जियान भी शामिल है जियोंग ने बताया कि मैं हमेशा से उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी जिसमें जियान जाए वो अच्छा स्टूडेंट है इसलिए अच्छे ग्रेड ले लेता है और मैं उसे कैच नहीं कर पाई यानी की हमारी जियोंग ने मेडिकल फील्ड सिर्फ इसलिए चूज की ताकि वो जियान के साथ रह सके मजीद बताया की तुम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट मेरी डिफिकल्टीज नहीं समझ सकते इसलिए तो मैं तुमसे वो डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाह रही थी ये सुनने के बाद रेंचो फौरन से उठ खड़ा हुआ कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हूँ जियो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगी की मैं तुम्हारी वो फोटेज वाली बात को सीक्रेट रखूंगी आई प्रोमिस नेक्स्ट सीन में दोनों वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जिसमे कुछ शर्तें रखी गयी थी की हम दोनों एक दूसरे के पास नजर नहीं आएंगे एक दूसरे को इग्नोर करेंगे ताकि लोगो को ये लगे की हम दोनों के बीच में कुछ नहीं और अगर कभी भी हमें काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलना हो तो ऐसी सीक्रेट जगह पे मिलेंगे जहां हमें कोई भी ना देख सके रेंचो ने ये बात भी ऐड कर दी कि तुम्हारी वजह से मेरी रिपोटेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए यानी कि वो वॉमटिंग वाली बात तुम किसी को नहीं बताओगी जियोंग भी खुशी खुशी से उसकी बात पान गए फिर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अलग अलग से साइन कर देते हैं इसके बाद हाथ मिलाते हुए रंचो बोला कि अगर कभी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो जिस पर वो फौरन से हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि तुम पागल हो गए क्या ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुद अपना अपेंडिक्स ऑपरेशन करके सबको लाइव सर्जरी दिखाऊंगी सियोग का तो पता नहीं लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि रंचो की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तभी उसने इर्द गिर्द देखा की यहाँ तो वाकई ही बैठने के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट सीन में जियोंग शाओ को वो एग्रीमेंट पेपर दिखाती है जिस पर रंचो के साइन देख कर तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कहने लगी वो बोसी बिहेवियर वाला रंचो वो कैसे साइन कर सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे क्लास फेलो को तुम पर हंसते हुए देख लिया हो और फिर ये डिसीजन ले लिया हो जियोंग बोली की जो मर्जी है लेकिन उसने साइन तो कर दिया ना और अब उसे बोसी मत कहो मुझे लगता है की वो इतना भी बुरा नहीं खैर ये बताओ की हमारा एग्रीमेंट तो साइन हो गया है लेकिन अब हम लोगों को कैसे क्लियर करेंगे कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं शाओ ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना तुम दोनों स्टेटमेंट लिख कर उसे अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दो जिसे रीड करने के बाद सभी को पता चल जाएगा नेक्स्ट सीन में जब जियोंग सि के साथ लेबोरेटरी में इंटर हुई तो वहाँ रंचो पहले से ही मौजूद था जिबाई कहने लगा की ये जगह सीक्रेट है इसलिए तुम दोनों आराम से यहाँ डेटिंग कर सकते हो जिस पर जियोंग कहने लगी मैंने कल भी तुम्हें बताया था की मेरा उसे कोई लेना देना नहीं खैर जियोंग ने रंचो को बताया की मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमे मैंने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है इसलिए हम दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता और मैं ये भी बता दूंगी कि हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे जिस पर वो बोला कि मुझे नहीं लगता इस पर कोई यकीन करेगा और वैसे भी मुझे सोशल प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी क्लास में तो आना ही होगा लेकिन हमारी जियो को लगता है की वो इग्नोर करने में काफी अच्छी है और वो लोगो के सामने अच्छे ऐसी एक्टिंग कर पाएगी उसका कोई रिस्पॉन्स न देख पूछने लगी की क्या तुम्हे एग्रीमेंट साइन करने आरोप रिग्रेट हो रहा है अब तुम मेरी मदद नहीं करोगे चाहे वो ये करना चाहता था या नहीं लेकिन फिर भी वो स्टेटमेंट लिखने के लिए हाँ कह देता है तभी वहाँ डोर नोक होने की आवाज हुई और जब जियोंग ने जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था लेकिन साइड पर हमें जिनियो नजर आई जो कि विंडो से झांक रही थी जियोंग भी उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई फिर जैसे ही उसे आवाज दी वो डर कर पीछे मुड़कर देखती है और इसे देखकर इसको सिस्टर इन लॉ कह दिया जिस पर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं खैर तुम बताओ यहाँ क्या कर रही थी जिनियो कहने लगी की मैं यहाँ जिबाई को देखने आई थी वो मेरा बॉयफ्रेंड है इससे पहले की जियोंग उसकी बात को सच समझ लेती पीछे से रन हुए कहने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं जिबाई भी लेबोरेटरी से बाहर निकलते हुए कहने लगा तुम फिरा गई हो और गार्ड ने तुम्हें आने कैसे दिया जिस पर वो कहने लगी कि लकीली मेरे पास मेरे भाई का आईडी कार्ड मौजूद था जिस तरह वो हर बार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है जिबाई से मिलने के लिए क्यूँ ना इस बार तुम्हारी बर्थडे पे मैं तुम्हें फोन गिफ्ट कर दूँ फोन के बगैर मैं तुम ऐसी कॉन्टेक्ट भी तो नहीं कर सकती ना बेचारा जिबाए इसीलिए तो फोन नहीं लेता कहने लगा नहीं बिल्कुल भी नहीं और वैसी भी लेबोरेटरी में मेरे पास मेरा साइलेंट मेंटर मौजूद होता है ये न आम उसे बड़ा अजीब सा लगा कहने लगी ये कौन सी इंटरेस्टिंग चीज होगी मैं भी इसे देखना चाहूंगी लेकिन जियोग ने उसे रोकने की पूरी पूरी कोशिश की जाते साथ ही उसने चीखे मारे क्योंकि साइलेंट मेंटर जिबाय ने किसी और को नहीं बल्कि लाश को ही कहा था इसे देखने के बाद तो जिनियो की तबीयत काफी खराब हो गयी वही फोमटिंग कर देती है और गन मचाने पर बाद में जिबाई को सोरी कर देती है कहने लगी तुम फिक्र नहीं करो मैं इसको अभी के अभी साफ कर दूंगी जिस पर जिबाई बोला तुम जाओ यहाँ ऐसी मैं खुद ही इसे साफ कर लूंगा उसके मना करने के बावजूद भी सफाई का सारा सामान लाकर उसे साफ करना शुरू कर देती है अब पता नहीं कि वो उसका दिल कब तक जीत पाएगी नेक्स्ट सीन में जियोंग को अपना काम करते हुए दिखाया गया तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसे देख कर वो काफी ज्यादा हो फौरन को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लिया लेकिन अभी भी उसे डिस्टेंस आरोप बैठने के लिए कहती है अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कहने लगी की तुमने जो स्टेटमेंट पोस्ट की थी उससे तो सबको यही लगा की तुम हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हो यानी कि इन दोनों का ये वाला प्लान भी फेल हो गया रंजो बोला कि मैं बारे में सोचकर कोई सोलूशन निकालूंगा और फिर तुम्हें तो बता दूंगा उसके जाने के बाद सियोग को कॉल आई की उसका कोई पैकेज आया हुआ है जिसे वो रिसीव करने के लिए पहुँच गयी ये पैकेज काफी भारी था सोचने लगी की मैंने तो इतना बड़ा कुछ भी नहीं मंगवाया आखिर ये हो क्या सकता है मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी गॉड प्लीज मुझे भी कोई बॉयफ्रेंड दे दो ना उसके कहने की देर थी और यहाँ एक लड़का पहुँच आया जिसे देखकर कर जियो को पहली नजर वाली अट्रैक्शन हो गई सोचने लगी कि अभी अभी तो मैंने मांगा था इतनी जल्दी मिल भी गया वो लड़का बोला कि मैं इसे तुम्हारे साथ ले जाने में हेल्प कर देता हूँ और वैसे भी लड़कियाँ लड़कों जितनी इतनी तो नहीं होती ना इसके बाद जियोंग ने बेकिंग क्लब में वो सोफा लगा दिया और देख उसे याद आया की ये तो वही सोफा है जो मैंने सुपर में देखा था साथ ही रंचो को कॉल करके पूछने लगी की तुमने वो सोफा चोरी कर लिया है जिस पर वो बोला की मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था शायद एड्रेस गलत हो इसलिए तुम्हारे पास आ गया है खैर उसको उधर ही रखो क्योंकि मैं फर्श पर नहीं बैठना चाहता इधर सुरंजो को कॉल पर बातें करता हुआ देखकर कहने लगा कि किससे बातें कर रहे हो इतनी बातें तो तुम मुझसे भी नहीं करते जितना तुम आजकल फोन पर कर रहे हो कहीं ये हमारी भाभी जियोंग तो नहीं वैसे तुमने वो जो कल स्टेटमेंट लगाई थी इससे वो सैड नहीं होगी रेंचो बोला कि हम इन रूमर्स को खत्म करना चाहते हैं और अपनी तरफ से काफी ट्राई भी की लेकिन कुछ भी नहीं बन सका क्या इसमें तुम हमारी हेल्प करोगे इधर जियोंग इतनी सारी बुक्स उठा कर ला रही थी जो की उसे गिरने ही वाली थी लेकिन जान उसे पकड़ने में उसकी हेल्प कर देता है कहने लगा की मैंने कल वो रेंचो की पोस्ट पढ़ी थी आई होप की तुम उससे ज्यादा सैड नहीं होगी अगर कभी भी तुम अकेला फील करो तो मैं और जिया हम दोनों तुम्हें कंपनी दे सकते हैं बिल्कुल ही पहले की तरह जियोंग ने बताया कि मेरे और रेंचो के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और जिया अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तुम्हे ज्यादा टाइम उसको देना चाहिए हम अब बड़े हो गए हैं तो हमें दूरी आना तो नॉर्मल बात है वही जियोंग को रेंचो का मैसेज आया जिसने उसे फेस टू फेस मीटिंग के लिए बुला लिया था और यहाँ आकर पता चला की उसने सीक्रेट जगहों की लिस्ट बना ली थी जहाँ वो दोनों मिल सकते हैं और साथ ये भी बताया की अगर हम इन रूमर्स को खत्म करना चाहते हैं तो हम दोनों में से किसी एक को नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना होगा जियोंग तो खुश हो जाती है कि शायद वो अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने वाला है पर वो बोला कि मैं नहीं बल्कि तुम रिलेशनशिप में आओगी तुम मुझे अपनी डिमांड वी चैट पर सेंड कर देना उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे लिए बीस लड़कों की लिस्ट बना दूंगा जिसमें लेना कुछ न कुछ तो ये आइडिया जियोंग को भी पसंद आया इसके बाद हम इन दोनों को एक दूसरी सीक्रेट जगह आरोप देखते हैं जहाँ रेंचो ऐसी वो लिस्ट दिखाने वाला था इसी लिस्ट में रेंचो ने अपना फॉर्म भी रख दिया था क्यूँकी जियोंग की डिमांड थी की लड़का हैंडसम हो और लाइक फाइक हो जियोंग बोली कि कहीं तुम अपना चांस तो नहीं आजमाना चाहते जिस पर वो बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं तुम्हारी डिमांड ही ऐसी थी अब इतने सारे हैंडसम और लाइक फाइक लड़के है भी तो नहीं इसलिए मुझे अपना नाम भी ऐड करना पड़ा इसमें जियोंग को वोंग का फॉर्म मिल गया जो कि वही लड़का है जिसने जियोंग की हेल्प की थी और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सेलेक्ट भी कर लेती है जिस पर रंचो बोला की ठीक है हम इस पर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के फिफ्थ एपिसोड की तरफ एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है रेंचो का जो काफी सारी नॉवल बुक्स उठाकर ले आया था ये देखकर कर सोस का मजाक उड़ाने लगा कि कहीं तुम लव सब्जेक्ट अपने पोस्ट ग्रेजुएट इंटरव्यू के लिए तो नहीं पढ़ रहे जिस पर वो भी कह देता है की हाँ तुम्हें क्या मसला तुम जाकर अपना काम करो लेकिन वो ऐसे कैसे जाने वाला था कहने लगा की मुझे ऐसा क्यूँ लग रहा है की जियो ने वोंग को सेलेक्ट कर लिया है तो तुम्हें जल्दी फील हो रही है रेंचो उसकी बात को एडमिट करने से मना करता रहा लेकिन सू बोला कि जरूर ऐसा ही होगा क्योंकि तुम तो ये भी नहीं जानते कि प्यार होता क्या है वो बोला क्यों नहीं जानता एक लंबी चौड़ी साइंस इन्फॉर्मेशन देने लगा उसे प्यार से रिलेटेड अब इस पर सू से क्या ही कह पाता लेकिन इतना जरूर बता दिया की जब तुम किसी को मिस करते हो उसके बारे में सोचते रहते हो तो समझ जाना की तुम्हें उससे प्यार हो गया बाकी तुम खुद ही समझदार हो नेक्स्ट सीन मेरा जो जियो के पास आता है उसे लव लेसन देने के लिए बताता है की कैसे तुम्हें पहली नजर में वोंग को पटाना होगा लेकिन इस पहली नजर का असर वोंग पर होता है या नहीं पर इधर रेंचो को देखकर लगा कि उसे कुछ कुछ होने लगा है फौरन से उठकर जाने लगा उसे ये कहकर के आज के लिए इतना ही लेसन काफी था नेक्स्ट सीन में हम सियोग को देखते हैं जो वोंग को पटाने के लिए इंग्लिश कॉर्नर पहुंच जाए पहले तो लाउडली रीडिंग करके उसकी अटेंशन अपनी तरफ करती है और फिर उसकी आंखों में देखने लगी की वोंग को पहली नजर में ही इससे प्यार हो जाए लेकिन जिस तरह से वॉइस को देख रही थी बेचारे वोंग को तो लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है और अब ये लड़की मुझसे बदला लेना जाती है वैसे यह तो वाकई ही किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा था वो भी इसको सोरी करते हुए फटाफट से वहाँ से भाग गया बेचारी जियो भी लटके हुए मुँह के साथ रेंचो को बताती है कि उसका फर्स्ट साइट वाला प्लान तो फेल हो गया वो बोला कोई बात नहीं हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके है मैंने अपने एक एक्सपीरियंस दोस्त को बुलाया है वो भी तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तभी वहाँ एंट्री होती है जी की जो रेंजो ऐसी पूछने लगा की तुमने अपने कजन ऐसी आई कार्ड ले लिया था ना ऐसा ना हो की कहीं वो दोबारा ही मेरे गले पड़ जाए वो बोला हाँ मैंने ले लिया था लेकिन इसके बदले तुम्हें जियोंग से अपना फर्स्ट टाइम लव वाला एक्सपीरियंस शेयर करना होगा जियोंग भी सुनकर हैरान हो गई कि क्या इसको भी प्यार हुआ था जबकि जिनियो तो इसको चाहती है जिबाई ने बताया की जिनियो से पहले मुझे प्यार हो गया था और वो भी पहले ही नजर का साथ ही हमें फ्लैश बैक से उसकी स्टोरी दिखाई गयी जब वो एक बार रेंचो ऐसी काम के सिलसिले में मिलने आया था और तभी उसे जिनियो नजर आई वहाँ पर डांस प्रैक्टिस करते हुए रेंचो ने बताया की ये मेरी कजन जिनियो है साथ वाली डांस अकेडमी में प्रैक्टिस कर है वहाँ पे कोई रूम खाली नहीं था इसलिए उसने मेरा बोरो कर लिया सिबाई को तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है बल्कि उसके पास जाकर उससे वी चैट नंबर भी मांगने ही वाला था जाने से पहले रेंचो ने उसे खबरदार कर दिया के बाद में मुझे मत बताना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं था वो बोला तुम्हारी कजन इंसानों को तो नहीं खाती ना बाकी जो होगा वो मैं खुद ही देख लूंगा आफ्टर दैट जब वो जिनियो के पास जाकर उसे अपना नाम बताता है तो उसने खुशी के मारे इसे अपना सारा डाटा ही बता दिया और इसे अपना बॉयफ्रेंड भी कह दिया यानी की बाई को उसे पहली नजर में प्यार इसलिए हो गया था क्योंकि उसे काफी जेंटल लगी पर बात करने के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं अब इसका कंक्लूजन तो सिबाई ने यही बताया कि पहली नजर का प्यार सिर्फ धोखा होता है और अगर धोखा नहीं खाना चाहती तो इससे दूर रहो लेकिन हमारे रेंचो को लगता है की फर्स्ट साइट वाला लव अभी भी हो सकता है जिस पर सिबाई बोला की अगर ऐसी ही बात है तो जबान कम चलाना और स्माइल ज्यादा करना क्या पता कोई पिघल ही जाए जियोंग ने भी उसे एक मशवरा दे दिया की चाहे जीनियो तुम्हारे टाइप की नहीं लेकिन खुद पर खुदपरि लिमिटेशन भी मत लगाओ उसे एक चांस दे दो नेक्स्ट सीन में जीनियो फिर से चुपके छुपाते हुए यहाँ आ गई थी जिबाय को सरप्राइज देने के लिए पर वो इसे देखकर इस पर गुस्सा करने लगा की मैं तुम्हें कितना मना करता रहता हूँ यहाँ आने से और तुम फिर मुँह उठा कर चली आती हो फिर उसका मासूम सा चेहरा देख कर उसे जियोन की बात याद आई की चाहे वो तुम्हारे टाइप की नहीं है लेकिन तुम्हें उसे एक मौका दे देना चाहिए नेक्स्ट सीन में जियोन ने रेंचो को अपने पास बुला लिया था उसे बताती है कि मैंने एक मूवी से पांच तरीके ढूंढे हैं किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मैं उसे तुम पर ट्राई करूंगी फिर तुम मुझे बताना कि वो तुम्हें कैसे लगे पहला स्टेप ये था कि जियोंग ने अपने फेस पर कुछ लगा दिया है और वो लड़का इसे देखकर वाइप करेगा वो रेंचो को वाइप करने के लिए कहती है और बेचारा रेंचो तो इसे देख देख कर पिघलता रहा लेकिन क्या करे यहाँ से जा भी नहीं सकता उसका नोज वाइप करने के बाद जियोंग अपना सेकंड स्टेप अप्लाई करती है जो की उसका कॉलर सेट करना था और यहाँ तो रेंचो का दिल जैसे बाहर ही आने वाला हो थर्ड स्टेप ये था कि उसने दो जूसेज बनाए थे एक पीच और एक ऑरेंज का को पीच पसंद है इसलिए उसने पीच वाला सेलेक्ट किया लेकिन एक सिप लेने के बाद यूँ कहने लगी कि शायद मैंने बाय मिस्टेक गलत वाला ले लिया चलो अब इसको एक्सचेंज करें और एक्सचेंज करने के बाद फिर से कहने लगी कि जहां से मैंने पिया है देख कर जरा वहां मेरा लिप प्रिंट रह गया होगा अगर तुम भी वही से पियोगे तो इसका मतलब इनडायरेक्ट किस करना होता है और रेंचो ये बात सुनने के बाद वही से पीने लगा साथ ही बोला की अगर तुम ये तरीके अप्लाई करती रही ना तो इस तरह उसे तुम्हारी फीलिंग कभी भी समझ नहीं आएंगी क्या पता वो तुमसे लड़ना ही न शुरू कर दे ये कहकर वो वहाँ ऐसी चला गया और जियोंग सोचने लगी की इसे अचानक ऐसी इतना सारा गुस्सा कैसे आ गया इधर रेंचो भी रूम में आकर सोचने लगा की मुझे हो क्या गया है क्या सुने ठीक कहा था कि मैं जलस हो रहा हूँ सिर्फ इसलिए जियोंग ने वोंग को चूज किया सू भी उसे इतना परेशान देख कर पूछता है की तुम्हें हो क्या गया है पर वो नोवल बुक्स देख कर खुद ऐसी ही धीमी आवाज में कहने लगा की कि मैं कितना बेवकूफ था इन बुक्स आरोप अपना टाइम वेस्ट किया पर मुझे उस लड़की ऐसी प्यार कैसे हो सकता है वो तो हर वक्त लेट होती है कोई भी काम उसे ढंग ऐसी करना नहीं आता क्या सारी दुनिया में मेरे लिए वही लड़की बची थी जो भी हो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता सबसे पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी नेक्स्ट सीन में रेंजो ने जियोंग को कुछ ड्रेसिंग स्टाइल बताया की तुम ये वाला ड्रेस पहन कर वोंग ऐसी मिलने के लिए इंटरनेट कैफे जाना जो देखकर जियोंग को तो बड़ा अजीब सा लगा और रेंजो ने इंटरनेट पर देखा था की जो लड़किया इस तरह की ड्रेसिंग करती है लड़को को वो लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती यानी कि रेंचो नहीं चाहता की जियोंग वोंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाए कहने लगा की तुम्हारे पास पासिकल नॉलेज ज्यादा है या मेरे पास तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा ही करती जाओ फिलहाल मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट के इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ वापस आके तुम ऐसी मिलूँगा नेक्स्ट सीन हमें इंटरव्यू का दिखाया गया जहाँ रंजो का इंटरव्यू काफी अच्छा रहा और क्यूँ ना होता आखिर वो अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट है प्रोफेसर ने बताया की हम तुम्हें ई मेल और कॉल करके बता देंगे की कब तुम इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हो यहाँ सियोग जीप सी ड्रेसिंग करके इंटरनेट कैफे पहुँच जायी सोचने लगी कि मुझे यकीन नहीं होता लड़कों को इस तरह की ड्रेसिंग पसंद होती है पर एक्सपर्ट रंचो ने कहा है तो जरूर पसंद होगी इस बार भी जब वो वोंग के सामने जाती है तो वो पहली नजर में ही इसे देख कर डर गया कहने लगा कौन हो तुम हटो यहाँ ऐसी मेरे गेम को इफेक्ट मत करो साथ ही वो गेम में वाइप आउट भी हो गया अब वो जियोंग को ही बातें सुनाता है जिस पर वो कहने लगी की तुमसे अच्छा तो मैं खेल लेती हूँ चलो जरा इस बार मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँ आफ्टर दैट दोनों एक साथ गेम खेलने लगे इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जिये मुंह उठका कर रंचो के पास चली आई दिल ही दिल में उसे पता ही था कि कुछ बुरा हुआ होगा क्योंकि उसने प्लान ही ऐसा बनाया था लेकिन जब उसने बताया कि स्टार्ट में तो वोंग ने मुझे इग्नोर किया लेकिन बाद में जब मैंने उसके साथ गेम खेली तो उसने मेरी तरफ देख स्माइल किया और मुझे बताया की मैं सब लड़कियों ऐसी अलग हूँ और तो और वोंग ने उसे वी चैट पर भी एड कर दिया था पर मसला सिर्फ यही बना की वोंग ने उसे बताया की तुम मुझे ब्रो या फिर सिस्टर कहकर बुला सकती हो जबकि तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी इसके बावजूद भी बोली कि कोई बात नहीं आहिस्ता आहिस्ता हमारी अट्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि मैं मैं उसे रोज मिलने जाऊंगी उसके लिए डेजर्ट बनाकर कर रेंचो से ही बोला बिल्कुल नहीं इस तरह तो तुम्हारी स्टडी इफेक्ट होगी ना और फिर तुम खुद ही सोचो कि जिनियो रोजी बाई को पटाने के लिए पहुंच जाती है क्या अभी तक वो दोनों रिलेशनशिप में आए एक तो वैसे ही जियोंग ने इस बेचारे का प्लान खराब कर दिया था उसके साथ गेम खेल कर आप वो इसे मजीद ऐसा कुछ करने नहीं दे सकता कहने लगा की तुम उसके लिए डेजर्ट बनाओ अच्छी बात है पर मैं तुम्हारे लिए उसके पास पहुँचा दिया करूंगा आखिर मैं भी तो चाहता हूँ की हमारे बारे में रूमर्स खत्म हो जाए कहीं न कहीं जियो को भी उसकी बात समझ में आ गई कहने लगी ठीक है मैं उसके लिए शाम में डेजर्ट बनाऊंगी फिलहाल मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ स्टडी करने के लिए नेक्स्ट सीन में हमें उसे स्टडी करते दिखाया गया तभी उसे स्टमक एक होने लगा और वो सोचती है की इतने टाइम के बाद दोबारा मुझे स्टमक एक कैसे हो गया अब मैं पढ़ूंगी कैसे सामने ही उसके जिया और जियान आकर बैठ गए जिन्हें देख कर यह नॉर्मल रिएक्ट करने लगती है लेकिन फिर भी जियान को लगा की शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं जियो को दूर से देखता तो रहा पर उसकी तबीयत का पूछने के लिए उसके पास नहीं आता जियोंग भी उसे देखकर काफी सैड फील कर रही थी और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की कहने लगा कि बहुत हो गई स्टडी चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ असल में वो सिर्फ जियोंग को यहाँ से ले जाना चाहता था ताकि वो इन दोनों को देखकर सैड ना हो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सिक्स एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब रंजू उसे बाहर ले आता है तो उसे पूछने लगा कि मुझे बताओ तुम स्ट्रमक के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करती हो मैं तुम्हारे लिए ले, ले आता हूँ जिस पर जियोंग ने बताया की कि मैं किसी मेडिसिन का यूज नहीं करती बल्कि सोया मिल्क पीने की वजह ऐसी मेरा पेन ठीक हो जाता है इसलिए तो जियान अक्सर उसे लेकर देता रहता था खैर जियोंग ने उसे यहाँ ऐसी जाने के लिए कहा यह क्या करके हमें कोई साथ देख लेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती जाते जाते रंचो उसका बैग भी साथ लेकर जाने लगा उसे बताया कि तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो मैं तुम्हारा बैग तुम्हारे हॉस्टल में छोड़ आऊंगा नेक्स्ट सीन में जियोंग अपने रूम में इंटर होती है शाओ ने उससे वजह पूछी कि तुम कहाँ रह गई थी तुम्हारा बैग भी रंचो लेकर आया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना वो बोली हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अभी भी वोंग को इम्प्रेस करना चाहिए जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हूँ शाओ ने उसे मोटिवेट किया कि हाँ तुम भी सिंगल हो वो भी सिंगल है पहले उसे इंप्रेस तो करो प्यार तो बाद में भी हो ही जाएगा अगले सीन में हम इन दोनों को फिर से एक साथ देखते हैं एक सीक्रेट जगह पर जहां जियोंग उससे पूछती है कि तुम्हारे पास उसे प्लान की कॉपी मौजूद है क्या जिस पर वो बोला कि नहीं मैं साथ लेकर तो नहीं आया क्यों तुम्हारी कहीं खो गई है क्या देखो याद रखना अगर तुमने उसको खो दिया तो ला के अकॉर्डिंग हमारा ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा जबकि शाओ से बातें करते करते जियोंग ने बाय मिस्टेक उसके ऊपर कॉफी गिरा दी थी लेकिन वो अभी भी ये बात रेंच से छुपाती है कहने लगी नहीं नहीं मैं उस एग्रीमेंट को कैसे खो सकती हूँ वो अभी भी मेरे पास है बस वैसे ही पूछना चाह रही थी आफ्टर दैट रेंचू ने उसे सोया मिल्क टेस्ट करने के लिए कहा बताया कि मैंने अपने स्विमिंग क्लब के मेंबर्स के लिए ऑर्डर करवाई थी तुम टेस्ट करके बताओ कैसी लगी टेस्ट करने के बाद योंग ने बताया कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आइंदा के लिए इस रेस्टोरेंट से तो बिल्कुल भी ऑर्डर मत करवाना हालांकि वो बेचारे रेंचू ने उसके लिए अपने हाथों से बनाई थी उसे केक देते हुए चली गयी जो उसने वोंग के लिए बनाया था और रेंचो उसके लिए डिलीवर करने वाला है इसके बाद सो को दिखाया गया जो अपने रूम में इंटर होता है और इतना बिखरा हुआ सामान देखकर सोरी कर देता है कि शायद मैं गलत रूम में आ गया लेकिन रेंचो ने उसे जाने से रोक दिया उसे बताया कि की तुम्हारा ही रूम है वापस आओ क्योंकि ये सारा सामान उसी ने ही बिकेर कर रखा था बिकॉज वो सियोग के लिए सोया मिल्क बनाना चाहता था जो उसे पसंद आए वही सियंग भी मैसेज करके पूछती है की तुमने वोंग को वो केक डिलीवर कर दिया था उसने क्या कहा उसे पसंद आया की नहीं जबकि वो केक तो रेंचो खुद ही कहा गया था इसके बावजूद भी उससे झूठ बोलते हुए कहने लगा की उसे काफी डिलीशियस लगा इसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया रेंचो उसे रोज अपने हाथ की सोया मिल्क टेस्ट करवाता है और जियोंग वोंग के लिए केक देती है इसी तरह ही दिन गुजरते गए और हमारी जियोंग को जरा भनक नहीं हुई कि उसका बनाया हुआ केक तो वोंग तक पहुंचता ही नहीं फिर एक दिन मैसेज करके वोंग ने जियोंग को अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाया और वो भी खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गयी दूसरी तरफ हमें यहाँ रेंचो को दिखाया जाता है जिसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन मिल गया था बल्कि कल ऐसी ही उसे ज्वाइन करने के लिए भी कहा लेकिन उसने जाने ऐसी मना कर दिया ये कहकर के अभी मेरा कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं कल से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा और उसका ये जरूरी काम यकीनन जियोंग के लिए सोया मिल्क बनाना था वही जियोंग को भी गुस्से में आते हुए दिखाया गया और यहाँ खड़े सभी लड़के उसे देख कर समझ गए थे कि आज जरूर की शामत है। वो रेंचो के पास जाकर उसे अच्छी खासी सुनाती है की कि तुम कितने धोखेबाज इंसान हो तुमने मेरा एक भी केक मोक तक नहीं पहुँचाया अगर आज वो मुझे ना बताता की उसे मैंगो ऐसी एलर्जी है तो ये बात तो मुझे कभी भी पता न चलती बताओ मुझे वो सारे केक कहाँ गए रेंचो ने बताया की ठीक है मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ और वो केक में खा गया था जियोंग को ये सुनकर तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कहने लगी की अगर तुम्हें केक ही चाहिए था तो मुझे बता देते ना मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देती अच्छा ही होगा की तुम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाओ हमारे बारे में रूमर्स खत्म हो जाएंगे और मैं वोंग के साथ अपना रिलेशनशिप भी बना लूंगी तुमने हमारे एलिमिनेशन प्लान को भी फॉलो नहीं किया बताओ मुझे वो डॉक्यूमेंट कहाँ है रेंचू उसकी ये बातें सुनकर काफी सैड हो गया कि जियोंग मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहती है कहने लगा मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और अगर तुम्हारा भी कहीं खो गया हो तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म खत्म हुआ इस पर जियोंग भी उसे अच्छी खासी सुना देती है कि तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा था फिर गुस्से में वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम रंजो को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो एक लड़का लड़की को प्यार के बारे में बातें करते हुए सुन रहा था और वो सोचता है की हाँ यही सब कुछ तो मेरे साथ हो रहा है क्या मुझे वाकई ही जियोंग से प्यार हो गया है ऐसा कैसे हो सकता है और जब, जब जनाब ने देखा तो उसने बुक भी उल्टी पकड़ी हुई थी अब तो ये उसके लिए वाकई ही खतरे का सिग्नल था क्यूँकी जैसा जैसा उसे सू ने कहा था सब कुछ वैसा ही हो गया है इसके बाद हमें दिखाया गया के रेंचो जियोंग का नोज वाइप करता है और इसके बाद उसे किस करने लगा बिल्कुल वही सीन जो एक बार पहले हमें दिखाया गया तभी रेंचू की आंख खुली वो सोचने लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है मैं ऐसे सपने कैसे देख सकता हूँ दूसरी तरफ सू ने बताया की मैंने एक रियल लाइफ विनर विनर चिकन डिनर गेम प्रिपेयर किया है जिसमे तीन लोगो का ग्रुप बन सकेगा बेचारे रेंचो को तो ये फिक्र लग गई की वहाँ जियोंग भी होगी मैं उसे फेस कैसे करूँगा दूसरी तरफ यहाँ जियोंग वोंग के साथ गेम खेल रही होती है उसे पटाने के चक्कर में शाओ का शुक्रिया भी अदा करती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया बताया अब धीरे धीरे करके मैं उसका दिल जीत लूंगी रेंचू जिबाई के पास एक केस लेकर आता है जो कि उसका अपना हिता पर उसे नहीं देता कहने लगा की डुपेमाइन सिक्रेशन को कैसे रोका जाए जिससे रोमांटिक फीलिंग आना बंद हो जाए पहले तो जिबाई के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था लेकिन बाद में बताने लगा की उस पेशेंट के पास सिर्फ दो ही तरीके हैं जिसे वो अप्लाई कर सकता है पहली तो ये की रोमांटिक मेमोरीज जब न्यूक्लियस में इंक्लोज हो जाती है तो डिपेमाइन सिक्रिशन को कोई भी नहीं रोक सकता इसीलिए जिसको देख कर रोमांटिक फीलिंग आती है उसे इग्नोर करो बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता जब रेंचो ने उससे दूसरा तरीका पूछा तो इस पर जिबाए बोला की वो तरीका तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे लिए पहला ही काफी होगा बिकॉज वो ये बात जान चुका था कि पेशेंट कोई और नहीं बल्कि रेंचो खुद है कहने लगा कि अगर तुम्हें प्यार हो ही गया है तो तुम इसे एक चांस क्यों नहीं दे देते रेंचो बोला बिल्कुल भी नहीं प्यार इंसान को स्टूपिड बना देता है और मैं अपना सारा फोकस सिर्फ अपने कैरियर पर रखना चाहता हूँ अगला सीन हाँ में हॉल का दिखाया गया जहां सभी उन मेंबर्स के नाम शो होने वाले थे जिनका रियल लाइफ में ग्रुप बनने वाला है कैंपस क्वीन भी यहां पहुंच जाए जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे प्यारी लड़की मानी जाती थी और इसके बाद कैंपस किंग के आने की बारी है जो कोई और नहीं बल्कि हमारा रंजो होता है उसे आते हुए देख सब लड़कियाँ विश करती है की काश ये लड़का हमारा बॉयफ्रेंड होता जियो को तो पहले ऐसी ही उस पर गुस्सा था उसका ये रूड बिहेवियर देख और भी ज्यादा गुस्सा आया ऊपर ऐसी वो क्वीन कैंपस के पास भी जाकर बैठ जाता है सभी लड़कियाँ उन दोनों को साथ देखकर कहती है कि कितना अच्छा कपल है कितना परफेक्ट जबकि जियो को तो उन्हें साथ देखकर काफी गुस्सा आ रहा था अब पता नहीं ये जल्दी है या फिर कुछ और इसके बाद सभी लोगों के स्क्रीन पर नाम शो होने वाले थे जिनका रियल लाइफ में ग्रुप बनने वाला है और ये सब कुछ कंप्यूटराइज था जियोंग कंटिन्यूसली दुआई करती है की उसका नाम वोंग के ग्रुप में आ जाए और ये यकीन कोई मुआवजा ही हो पाता लेकिन मजे की बात ये थी की जियोंग का नाम रेंचो के साथ आ जाता है जो देख उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कहने लगी मैं बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेने वाली मैं अभी के अभी बाहर जा रही हूँ उठ जाने ही वाली थी के रेंजो ऐसी टकरा गयी और वो फिर ऐसी इग्नोर करके वहाँ ऐसी गुजर गया फिर उसके जाने के बाद कैंपस क्वीन जियोग के पास आकर पूछती है की क्या तुम रेंजो की गर्लफ्रेंड हो जिस पर वो बोली नहीं बिल्कुल भी नहीं बल्कि मैं तो उसके ग्रुप में भी नहीं रहना चाहती ये जानने के बाद के जियो वोंग की पार्टनर बनना चाहती है कैंपस क्वीन बोली के शायद इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उसे अपने साथ वी चैट पर भी ऐड कर दिया बताया कि मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करूंगी पर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उसकी कुछ और थे इधर रेंचो फिर ऐसी जिबाई के पास पहुँच गया था उसे बताता है कि मेरी प्रॉब्लम दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है प्लीज तुम इसमें मेरी हेल्प करो मैं ऐसे नहीं रहना चाहता जिबाई ने उसकी प्रॉब्लम के सिम्टम्स पूछे तो इस पर रेंचो बोला की मैं उस लड़की को इग्नोर नहीं कर पा रहा मैंने रेंडम पेरिंग सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की उसे अपना पार्टनर बनाया क्यूँकी मैं उसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता ये सुनने के बाद सिबाई बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर जैसा जैसा तुम्हारा दिल करने को कहता है वैसे वैसे ही करते जाओ क्या पता तुम्हें इसी में ही तुम्हारा सोलूशन मिल जाए नेक्स्ट सीन में हमें जियो को दिखाया जो की काफी गुस्से में थी की अगर कैंपस क्वीन भी कुछ नहीं कर पाई तो क्या मुझे रंचो के साथ ही टीम अप करना पड़ेगा मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती अभी उसे रेंचो की कॉल आती है जिसने उसे मिलने के लिए बुला लिया था और ना चाहते हुए भी जियो को उससे मिलने के लिए जाना पड़ा मिलकर रेंचो ने बताया कि मैंने तुम्हें गेम स्ट्रेटेजी सेंड कर दी है उसे केयरफुली रीड कर लेना और एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत करना जियो बोली कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी जिस पर वो कहने लगा कि मुझे हारी नहीं बल्कि अपनी परवाह है क्योंकि मैं गेम को हारना नहीं चाहता जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था और जियो बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम अपने पार्टनर्स चेंज कर दे फिर न तुम्हें हारने का डर होगा और ना कोई डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी पर रंजो ऐसा होने देने वाला कहा था कहने लगा की मुझे चैलेंजेस को फेस करना पसंद है जाते जाते भी उसे एक बार रिमाइंड करवा दिया की उस स्ट्रेटेजी को रीड कर लेना इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेवन एपिसोड की तरफ एपिसोड बिल्कुल वही से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था जियोंग को कैंपस पिन का मैसेज आता है की मैंने तुम्हारा प्यार वॉन्ग के साथ बना दिया है और ये देख तो वो काफी ज्यादा खुश हो गयी दूसरी तरफ यहाँ रेंचो जनाब जियोंग के लिए सोया मिल्क बना रहा था ताकि कम्पिटिशन के दौरान उसे से सेफ रख सके सोस मजा का मजाक उड़ाता है की तुमने ब्रेकफास्ट का बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर दिया वैसे सच बताऊं आजकल तुम बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे हो ये तुम्हारा चुप चुप के से मुस्कुराना चीजों पर फोकस ना करना आखिर तुम्हें हो क्या गया है इससे पहले तो मैंने कभी भी तुम्हें स्माइल करते हुए नहीं देखा नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट होता है गाइड कर रहा था कि आप सभी के पास सिर्फ दो घंटे होंगे इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए जिसको भी इस गन से फायर किया गया वो आउट हो जाएगा और जिसके पास बुलेट खत्म हो जाएंगी वो भी इस गेम ऐसी वाइप आउट हो जाएगा रेंचो खड़ा जियो का वेट कर रहा था सोचता है की हमेशा की तरह आज भी वो लेट है तभी उसे पीछे ऐसी किसी ने थपकी दी जो उसे तो लगा की जियोंग है पर वो जीनियो थी वो भी ये अजीब ऐसी कपड़े पहनकर जिबाई से मिलने आई है रेंचो ने उससे जियोंग के बारे में पूछा जिस पर वो कहने लगी कि उसे तो मैंने अभी अभी किसी और लड़के के साथ देखा शायद उसने किसी और के साथ टीम अप कर लिया फिर उसके जाने के बाद यहाँ कैंपस पीन पहुँच जायी रेंचो की पार्टनर बनकर और शायद यही तो उसका मकसद था कहने लगी की जियोंग ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी पार्टनर चेंज करने के लिए इसलिए मुझे भी उससे करना पड़ा शायद उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था दूसरी तरफ हमें जियोंग को दिखाया गया जिसका वोंग के साथ प्यार बना था और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उससे रोमांटिक होने की कोशिश करती है पर वोंग बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो तीन साल का बच्चा हो और खेलने के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता उसे बस इतनी ही फिक्र थी कि इस कंपटीशन को जीत जाए एक कपल को फायर करने ही वाला था जिस पर जियोंग बोली के इसमें इतना की क्या बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ की ये लोग पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे जियोंग ने आसानी ऐसी आकर इन दोनों को फायर कर दिया क्यूँकी इन दोनों को रोमांस के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था पीछे मुड़ना तो दूर की बात इसके बाद हमें इन दोनों को रिफ्रेशमेंट एरिया में दिखाया गया जहाँ जियोंग लटके हुए मुँह के साथ जूस पी रही थी आखिर वोंग उसके टाइप का लड़का नहीं निकला तभी वोंग ने कहा कि ब्रो मैं तुम्हारा जूस ट्राई करना चाहता हूँ तुम्हारे इस स्रोत से जिस पर जियोंग को फौरन से वही बात याद आई कि ये तो इनडायरेक्ट किस हुई वो भी सिर्फ लेने ही वाला था कि रेंचो ने उस पर गन रख दी कहने लगा इसे नीचे रखो और अपने लिए जाकर दूसरा लेकर आओ इस पर जियोंग को तो बड़ा गुस्सा आया कि शायद इस लड़के को मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती जब जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला हो ये आकर खराब कर देता है और ये बात तो सच ही है रेंचो जियोंग को वोंग के पास नहीं देख सकता पर ना वो ये बात खुद समझ पा रहा है और ना ही उसको बता पा रहा था नेक्स्ट सीन में जिनियो को दिखाया गया जो कि बाई को ढूंढते ढूंढते खुद को चोट लगवा देती है और फिर अपनी ही चोट देख कर बेहोश हो गयी सू को जब उसके बारे में खबर मिली तो वो सोचने लगा की क्या हमने किसी पिंक कपड़ो वाली लड़की को बुलाया था मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं वही कैंपस क्वीन रेंचो को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है की कि किसी भी तरह वो मुझसे फ्रेंक हो जाए पर रेंचो उसे काफी रूडली बिहेव कर रहा था इवन के जब कैंपस क्वीन ने पूछा कि तुम्हारे और जियो के बारे में जो रूमर्स फैले हुए हैं क्या वो सच है इस पर वो बोला कि ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहिए तभी ग्रुप में मैसेज आया कि जियोंग को चोट लग गई है और वो ऐसे दिखा रहा था जैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये चीज कैंपस क्वीन को तो देख काफी अच्छी लगी इधर जियोंग का ख्याल रखती है फोंग को उसे रूम ले जाने के लिए कहा पर उसे तो सिर्फ अपने कम्पिटिशन की ही फिक्र थी कहने लगा की जियोंग को भी चोट लग गई है और अगर मैं भी उसके साथ चला जाऊँ तो फिर हमारी टीम तो हार जाएगी बेचारी जियोंग ने उससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कहने लगी कोई बात नहीं मिस्टर सू क्या तुम मुझे इन्फर्मरी रूम तक ले जाने में हेल्प कर दोगे प्लीज इससे पहले वो हां कर पाता यहाँ रेंजो पहुँचाया कहने लगा मैं तुम्हें ले जाने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और तो और उसने वोंग की गन ऐसी खुद को फायर भी कर दिया फिर गेम ऐसी वाइप आउट होकर जियोंग को उठाते हुए वहाँ ऐसी ले जाने लगा जियोंग ने उसे अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहा जबकि वो इसे चुप करके खुद को होल्ड रखने के लिए कहता है बाकी सब भी खड़े होकर है से इन दोनों को देख रहे थे आखिर ये किसी नोवेल के सीन से कम तो नहीं लग रहा था और वोंग कहने लगा कि मैं जीत कर ही वापस आऊंगा यहाँ की भी हेलो हाई होती है एक दूसरे को जानने के बाद वी चैट पर भी ऐड कर दिया नेक्स्ट सीन में जिन्यों को दिखाया गया जिसे आंखें खोलते ही सामने जिबाई खड़ा नजर आया और उसे तो लगा की शायद ये मेरा ख्वाब है इसलिए उठना भी नहीं चाह रही जिबाई ने उसे ये एक्टिंग बंद करने के लिए कहा कहने लगा की तुम यहाँ क्यूँ चली आई और फिर देखो जरा खुद को चोट भी लगवा दी जिन्हयू काफी इमोशनल हो गई कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दीवारों पर चढ़ना और अपने कजन का आईडी कार्ड चुराना पसंद है पर ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करती हूँ ना अगर तुम्हें चुपचाप सी शर्मीली पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी बनने को भी तैयार हूँ बेचारा भी उसे इमोशनल तो नहीं करना चाहता था कहने लगा की तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो अब प्लीज रोना बंद कर दो जिनियो कहने लगी की अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो फिर मुझे प्रूफ करके दिखाओ अब वो तो ये भी नहीं जानता था की प्रूफ कैसे करूँ फिर वो इसे पकड़ कर बताती है की ऐसे और साथ ही से किस कर दी तभी इसी को वो पहला मेथड याद आया इग्नोर करने वाला जो उसने रेंचो को बताया था यानी कि वो अब तक को जान को जानबूझकर इग्नोर करता रहा यहाँ रेंचो जियो इस तरह की स्टूपिड चीजें करने की कोशिश मत करना इस तरह तुम्हें तो कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं मिल सकता जियोंग ने उसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहा बताया की मैं नहीं चाहती के लोग हमें देख दोबारा हमारे बारे में बातें बनाना शुरू कर दे फिर कैंप की तरफ जाते हुए रेंचो ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया और जैसे ही जियोंग उस तरफ मुड़ने लगी वो उसके आंखों पर हाथ रख देता है उसे उठा कर ले जाते हुए कहने लगा कि बच्चों के लिए ऐसी चीजें देखना सूटेबल नहीं इसके बाद रेंचू उसकी चोट पर मरहम लगाता है जो जियोंग को तो काफी प्रोफेशनल लगा कहने लगी कि तुम तो मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं तुम्हें इतने अच्छे से कैसे आता है वो बोला कि यहाँ आने से पहले मैं फर्स्ट एड का यूज करना सीख कर आया था क्योंकि मुझे अपने कुछ स्टूपिड टीममेट्स की बहुत फिक्र होती है यकीनन वो यहाँ जियोंग की ही बात कर रहा था इसके बाद जब जियोंग ने पानी मांगा तो वो उसे सोया मिल्क दे देता है बताया कि मैंने अपने लिए बनाया था चाहे ये सब्जियों के लिए एक इतफाक था लेकिन उसे काफी अच्छा लग रहा था कहने लगी कि कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं जितना तुम दिखाने की कोशिश करते हो रेंचो मेडिकल किट रखने के दौरान उसके काफी करीब आ गया था जो देख हमारी जियोंग ब्लश करने लगी बात बदलने की कोशिश करती है वहाँ ऐसी बाहर जाने लगी पर रेंचो उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़ कर किस करने लगा साथ ही उसे जिबाई का बताया हुआ सेकंड मैथड याद आया की जब कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में ना आए तो उसे बिल्कुल वैसा ही होने दो जैसा तुम्हारा दिल करना चाह रहा हो नेक्स्ट सीन में हमें रंचू को सीनियो के साथ दिखाया गया जो काफी परेशान लग रहा था उसे पूछने लगा की अगर एक लड़का लड़की को किस कर दे तो इसका क्या मतलब होता है उसे तो यही लगा कि शायद इसने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया था कहने लगी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और एक दिन वो दोनों शादी कर लेंगे वो तो अपना ही बता रही थी कि एक दिन मैं जिबाई से शादी कर लूंगी लेकिन रंचो को यह बात समझ में आ गई कि मैं और जियो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए नेक्स्ट सीन में वो काफी अच्छे से तैयार हो रहा था और सूखे पूछने पर उसने बताया कि मैं डेट पर जा रहा हूँ तो इस पर वो बोला कि मुझे पता है तुम एक्सरसाइज को भी डेट ही समझते हो वैसे तो इस बार वो सच में ही सियोन से मिलने के लिए जा रहा था लेकिन बेचारे को समझ नहीं आती कि उससे मिलूंगा कैसे स्माइल करूँ या ना करूँ और ये जो मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया है इसके बाद मैं उसे नजरे भी कैसे मिलाऊंगा इसके बाद वो जियो के पास जाता है जो की पानी भरने के लिए खड़ी थी फिर उसके करीब जाकर उसके हाथ ऐसी वो बोटल्स ले लेता है असल में वो इसे पानी भर कर देना चाहता था पर फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे बोटल्स मिलने वाला हो जियोंग शाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है कल तो बिल्कुल ठीक ठाक थे रेंचो ने इसकी हेल्प भी की थी जियोंग भी उसे कैसे बताती कि कल हमारे बीच क्या हुआ है कहने लगी कुछ भी नहीं हुआ बस मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती और न ही उसे देखना चाहती हूँ नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाया गया जहाँ टीचर इन सभी को वेन्यूफेक्चर करना सिखाती है और बताया की जितना तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से कर पाओगे वही रेंचो भी इन दोनों के लिए बोटल भर कर ले आया और क्लास के स्टूडेंट को दे देता है उन दोनों को पास करने के लिए जब बोटल इन दोनों को मिल गई तो वो वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन कैंपस क्वीन उसे कुछ पूछने के बहाने वही रोक देती है क्लास की लड़कियों को तो उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगती है पर जियोंग देख कर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था नेक्स्ट सीन में वोंग के पूछने आरोप वो सारी कहानी सुना देती है की कल इन रूम में जाने के बाद क्या कुछ हुआ जिस पर वोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा की शायद रंजो तुम्हें लाइक करता है तुम्हारे लो ग्रेड जाने के बावजूद भी वो बोला तुम पागल हो हो गए हो क्या वो भला मुझे क्यों लाइक करने लगा वो तो कैंपस क्वीन जैसी लड़कियों को ही डिजर्व करता है वहाँ से वापस आते हुए जियो के मुँह से ये बात भी निकल गई कि मेरे लिए रिलेशनशिप कितना अनलकी रहा पहले पाँच साल से ज्ञान को चाहा जो किसी और का हो गया फिर तुम्हें पटाने की कोशिश की पर तुम तो मेरे टाइप के ही नहीं निकले और अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का पता नहीं वो मुझसे चाहता क्या है वोंग तो अपने बारे में सुनकर काफी हैरान हो गया उससे पूछता है क्या क्या दोबारा बताओ जियोंग भी बात को कवर करने की कोशिश करती है पर अब तो उसके मुँह से निकल गया था कहने लगी कि हाँ हाँ मैं जान गई हूँ कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को डिनर करते हुए दिखाया गया जहाँ सिबाई के हाथ पर वॉच देख कर रेंचो पूछने लगा की ये किसने दी जिस पर वो बोला की जिनियो ने थोड़ी चिपकू जरूर है लेकिन मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता रेंचो बोला की काश मेरी गर्लफ्रेंड भी थोड़ी चिपकू होती जिबाई को तो पता भी नहीं था की उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है जिस पर रेंचो ने बताया की जियोंग और कौन हो सकती है वही तो एक लड़की है जिसके लिए मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया इसके बाद योंग को दिखाया गया जो अपने हाथ पर आरोपी पंक्चर सीखने की ट्राई करती है पेन होने के बावजूद भी वो कोशिश करती रही दूसरी तरफ यहाँ ट्रेनिंग के दौरान एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जिस पर उसका दोस्त पूछने लगा कि तुम्हें तो हर बार कोई न कोई लड़की मिल जाती है ये सब करते कैसे हो जरा मुझे भी तो बताओ वो भी मजे मजे से लड़कियों को बटाने के ट्रिक्स बताने लगा और यहाँ रेंचो उन दोनों की बातें सुन लेता है फिर उसके पास जाकर पूछने लगा की मुझे भी बताओ ये तरीका मैं भी जानना चाहता हूँ जब वो तो काफी डर गया कि ये मुझे स्विमिंग क्लब से ही ना निकाल दे अगले सीन में जियोंग जिनियो को ऐसी शर्मीली सी प्यारी प्यारी सी हरकतें करते हुए देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यूजुअली तो ऐसी हरकतें नहीं करती जिस पर उसने बताया कि जिभा को शर्मीली लड़कियाँ पसंद है इसलिए जैसे वो चाहेगा मैं उसके लिए वैसे ही बन जाऊंगी जी भी उसके हाथ पर चोट का निशान देख कर वजह पूछता है जिस पर जियोंग ने बताया की मैं अपने हाथ पर वेनी पंक्चर ट्राई कर रही थी वो बोला की तुम्हें अपने किसी फ्रेंड के हाथ पर करना चाहिए लेकिन हाँ अपने बॉयफ्रेंड के हाथ पर मत करना क्योंकि उसे पेन होगा तो यकीन तुम्हें उससे ज्यादा तकलीफ होगी जियोंग कहने लगी कि तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं जिस पर वो तो हैरान हो जाता है कहने लगा क्या रेंचो तो कह रहा था की तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ये सुनकर जियोंग को तो बड़ा गुस्सा आया बल्कि उसे सबक सिखाने का भी सोच लिया इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के एट एपिसोड की तरफ एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया गया कि रेंचो का टीम मेंबर उसे लड़कियों को पटाने के तरीके बताता है उसे बताया कि लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद होते हैं किस तरह उनकी केयर की जाती है इधर जियोंग भी गुस्से में आ पहुंची रेंचो खामोशी से बैठा उसकी बातें सुन रहा था उसे जरा भी भनक नहीं हुई की जियोंग यहाँ आ चुकी है तभी वो गुस्से में इसका नाम लेते हुए कहने लगी की मेरे पीछे आओ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है रेंचो ने उसके पीछे जाने से पहले इन सब को ओवर टाइम प्रैक्टिस करने के लिए बता दिया फिर सियोग के पास जाकर पहले उसकी तारीफ करता है कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो और ये ट्रिक भी उसने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखी जियोंग तो अच्छे खासे गुस्से में इसे सुनाने लगे की तुम लोगो को शर्म नहीं आती हमेशा ऐसी लड़कियों के बारे में डिस्कस करते हुए और तुम लोगो को क्या लगता है की लड़कियों की फीलिंग के साथ खेल लेने ऐसी तीन चार गर्लफ्रेंड बना लेने ऐसी तुम लोगो को कोई अवार्ड मिल जाएगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई जिबाई को ये बताने की हम दोनों रिलेशनशिप में है बेचारा रेंचो तो खामोशी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था कहने लगा कि क्या हम दोनों डेट नहीं कर रहे जियोंग बोली बिल्कुल भी नहीं उस किसका मतलब ये थोड़ी था कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए वो भी सिर्फ तुम्हारे करने का एक तरीका था ये कहकर वो जाने लगी तभी रेंचो उसका हाथ पकड़ कर उसे क्लियर करने की कोशिश करता है और तभी उसे फील हुआ की उसके हाथ पर कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है उसके जाने के बाद जिनियो की कॉल आती है जो इसे बता रही थी की कजन प्लीज जल्दी ऐसी आओ जी बाई मुझे यहाँ ऐसी जाने के लिए कह रहा है जब वो पहुँच कर देखता है तो जिनियो को घर जाने के कह रहा था उसे बताता है कि अगर तुम यहाँ बैठकर मुझे देखती रहोगी तो मैं एक्सपेरिमेंट पर फोकस नहीं कर सकूंगा आफ्टर उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाने लगा जबकि जिनियो कर से नहीं जाना चाहती थी तभी उसे कुछ याद आया और जी के पास वापस आकर बताया की मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है जिनियो को भी समझा दिया की अगर तुम वैसी लड़की बनना चाहती हो जैसे जी पसंद करता है तो मेरे साथ चलो एक रेस्टोरेंट लाकर उसे और अच्छे से समझाया की इस तरह तुम जी का दिल कभी भी नहीं जीत सकती उसे थोड़ा वक्त दो जब वो फ्री हो जाएगा तो खुद ही तुमसे मिलने के लिए आएगा नेक्स्ट सीन में रेंचो जियो के पास आता है वो पोस्टर लेकर जिसके जरिए वो वेन्यूपचर के लिए कोई वॉलंटियर ढूंढना चाहती थी जियोंग ने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया लेकिन वो बोला कि मुझे गलत मत समझो मैं वाकई में ही तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी नहीं मिलेगा कहीं न कहीं तो उसकी बात सच ही थी क्योंकि अभी तक उसके अलावा और कोई भी वॉलंटियर नहीं आया था इसलिए भी जियोंग को उसी पर ही ट्राई करना पड़ा उसे तो प्रैक्टिस करते हुए काफी डर लग रहा था कि कहीं मैं इसे चोट ही न पहुँचा पर रेंचो ने उसे समझाया कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता तुम आराम से इसे अप्लाई कर सकती हो सिर्फ एक बार भी नहीं बल्कि रेंचो ने उसे कई बार ट्राई करने के लिए कहा और फाइनली उसे अटेम्प्ट करना भी भी आ गया वैसे जितना नर्वस हो रही थी वो कभी भी ये ना कर पाती अगर रेंचो उसे रिलैक्स फील न कराता तो प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जियो ने उसे थैंक यू कहा और बताया की तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट वाला रेंचो के वहाँ ऐसी जाने के बाद जियो की तो सांस ही पुली हुई थी और जब उसने सोफा की हालत देखी उसे रियलाइज हुआ कि रेंचो ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला यानी कि उसे पेन हो रहा था लेकिन जियो को प्रैक्टिस करवाने के लिए उससे झूठ बोला कि मुझे पेन नहीं होता अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ टीचर ने क्लास में बताया की जो मुझे अच्छे ऐसी दिखाया तो इसके मार्क्स में उसके फाइनल में इंक्लूड कर दूंगी जियोंग ने भी शाह शर्त लगा ली थी और फिर जीतने पर शाओ ने उसे लंच ट्रीट किया उसे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था की रातों रात इस लड़की ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कैसे कर ली तभी रंचो का मैसेज आया जिसने एक पोस्ट पहुँचाने के लिए अपना लोकल नंबर बता दिया था कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि हम फेस टू फेस मिले और लोग फिर से हमारे बारे में बातें करें दूसरी तरफ हमें जिबाई को दिखाया गया जो जिन्हियों को डेट पर लेकर आया था जहां वो मासूम सी शर्मिनी लड़की बनने की ट्राई करती है जिबाई ने उसे समझाया की तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो और ये बात जानकर तो जिनियो फौरन ऐसी उसे हक कर देती है अब चाहे इसे जिनियो पसंद हो या ना हो लेकिन उसका ये पागलपन तो इसे झेलना ही पड़ेगा नेक्स्ट सीन में हम में सियोग को दिखाया गया जो चुपके चुपाते हुए लोकर तक पहुंच आई केक वहां रखने ही लगी थी कि उसे एक बोतल पड़ी नजर आई रेंचो ने यह बोतल उसके लिए रखी थी साथ ही नोट लिखा हुआ था कि मेरे पास काफी सारी पड़ी है इसलिए ये वाली बोतल तुम्हारे लिए वैसे इसकी प्राइस फोर है अगर तुम चाहो तो मुझे ट्रांसफर भी कर सकती हो सियोग को यह सोया मिल काफी पसंद आया सोचने लगी की पता नहीं इसने किस रेस्टोरेंट ऐसी ऑर्डर करवाया होगा मुझे तो आज तक ऐसा वाला कभी भी नहीं मिला अभी उससे ख्याल आया की शायद मैंने रेंचो को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था मुझे उससे सॉरी करनी चाहिए उसे फेस टू तो फेस बताने में जरा अजीब लग रहा था इसलिए आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसे ये बात लिख कर बताऊँ उसके लिए नोट लिखने के बाद जियोंग चुपके चुपाते हुए स्विमिंग क्लब जाती है और सू से भी कंफर्म करवा लिया था कि रेंचो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करके वहाँ से जा चुका है लेकिन अब परेशानी की बात ये थी की लॉकर पर लॉक लग चुका है जिसका कोड भी जियोंग को नहीं पता वो भी इसे खोलने की ट्राई कर ही रही थी कि पीछे से रेंचो आकर इसे कोड बता देता है कहने लगा कि तुमने चोरी करना भी सीख लिया जियोंग भी उसे देखकर काफी सर्विस हो गई बताती है कि मैं चोरी नहीं कर रही थी बल्कि तुम्हारे लिए लिखा हुआ नोट रखना चाह रही थी वो बोला कि तुम जो भी कहना चाहती हो फेस टू फेस बोलो जिस पर जियोंग को भी बताना पड़ा कि मैंने उस दिन तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था और आज से हम एक दूसरे के साथ ऑर्डिनरी क्लासमेट्स बन कर रहेंगे ये कहकर वहाँ से जाने लगी रंचो बोला की अगर तुम सच में चाहती हो की हम दोनों ऑर्डिनरी क्लासमेट्स बन कर रहे तो उस दिन वाली किसके बारे में भूल जाओ शायद वो रियल फीलिंग नहीं थी बल्कि डोपेमायन की सिक्रेशन की वजह से हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो रेंचो ये तो नहीं जानता था कि जियोंग क्या चाहती है और क्या नहीं पर वो इतना जरूर जानता था कि एक न एक दिन तो जियोंग को मुझसे प्यार हो ही जाएगा नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटा सा रोबोट दिखाया गया जो स्टूडेंट्स को देखकर काफी अच्छा लगा पर ऐसा लगता है कि उसमें कोई ना कोई खराबी तो जरूर थी पीछे से रेंचो आते हुए बोला कि इसमें रेडर सेंसर की प्रॉब्लम है क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से था उसे साथ ले जाने लगा कंप्यूटर लैब में ठीक करने के लिए और ये बात काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी कि उसने पहली नजर में ही इसकी खराबी पहचान ली इधर स्केलेटन का एक मॉडल खरीदना चाहती थी पर उसके पैसे इतने ज्यादा है कि फिलहाल तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती अभी उससे सू का मैसेज आया जो उसकी बेकरी से केक खरीदना चाहता था और ये तो जियोंग के लिए काफी खुशी की बात थी क्योंकि अब वो पैसे कमा पाएगी नेक्स्ट सीन में वो सू को काफी सारे केक ट्राई करवाती है जिस पर वो बोला की बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमारी डिमांड जरा अलग है तुम इस चिट को ओपन करके देख लेना जियोंग को तो लगा की कोई बड़ा ऑर्डर होगा क्यूँकी स्विमिंग क्लब के लिए है जिसके से वो स्केलेटन खरीद पाएगी पर ये इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं था जब इसने रेंचो के बारे में पूछा कि वो खुद क्यों नहीं आया तो इस पर सू कहने लगा क्योंकि वो बिजी है इसलिए मुझे उसके छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं ऐसे एक बात बताओ अगर तुम्हें किसी लड़के ऐसी प्यार हो गया तो क्या तुम उसे अपनी फीलिंग बताओगी ये बात सियोग को तो कुछ समझ नहीं आई जिस पर वो बोला की लड़का तो कोई भी हो सकता है रेंचो या फिर कोई और असल में रेंचो ने सू को यहाँ इसलिए भेजा था क्यूँकी वो खुद सियो के सामने नहीं आना चाहता उसे इग्नोर करना चाहता है ये भी उसकी कोई साइंटिफिक ट्रिक थी कि मैं जियोंग के सामने भी ना और उसे अपने होने का एहसास भी दिलाता रहूं तो इस तरह उसको मुझसे प्यार हो जाएगा और बना रही थी और सोचती है की अगर जिबाए होता तो वो इसमें मेरी हेल्प करवा देता पता नहीं आज वो अचानक ऐसी गायब किधर हो गया जबकि वो तो यहाँ सिनियो के साथ डेट पर आया हुआ था उसे एक टेटिंग शेड्यूल दिखा देता है कहने लगा की जहाँ जहाँ रेड कलर का है वो मेरा फ्री टाइम होता है और इसी में ही हम मिल सकेंगे बेचारी भी सोचने लगी कि भला डेट करने के लिए भी कोई शेड्यूल होता है अब उसे प्यार ही ऐसे लड़के से हुआ था तो शेड्यूल को भी फॉलो करना ही पड़ेगा नेक्स्ट सीन में रेंचो को दिखाया गया जो की अपने टीम मेंबर्स को ऑफ दे देता है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा वो भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुए क्यूँकी इससे पहले तो वो हमेशा ओवर टाइम करवाता रहता था और अब जब कॉम्पिटिशन सर पर आ गया है तो उसने रेस्ट करने के लिए कहा इन दोनों को लगता है कि ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर हुआ हो होगा जिसकी वजह से रेंचू डिस्टर्ब है और उसका हाथ भी काफी सूजा हुआ लग रहा था अगले ही सीन में हमें दिखाया गया कि रेंचो सियोग के बारे में सोच रहा था और तभी दूसरे स्कूल से कुछ लड़के आते हैं यहाँ कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए वही सियोग भी पहुँच आई इनके लिए बिस्किट और केक्स लेकर जो की रेंचो ने ऑर्डर करवाए थे तभी उसने एक लड़के को रेंचो समझ लिया जो की कोई और था और फिर उसे फौरन ऐसी चोरी कर दी फिर वो लड़के अपनी शर्ट उतारने लगे जो देख रेंचो को तो बहुत गुस्सा आया की इन्हें किसने कहा था अपनी शर्ट उतारने को ंग उनके मसल देख कर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी शायद इसीलिए तो हमारे रेंचो को भी गुस्सा आया वो फौरन से आंखों पर हाथ रख देता है उसे साथ ले जाते हुए कहने लगा कि इधर उधर देखना बंद करो मेरे साथ चलो यहाँ अकेले में लाकर पूछता है कि तुम उनको क्यों देख रही थी जिस पर वो बोली कि मैं आजकल मसल्स को रीड कर रही हूँ तो इसमें क्या बुरा है अगर मैंने उनको देखा तो इस पर रेंचो ने तो उसके सामने अपनी शर्ट ही उतार दी कहने लगा की अगर तुम्हें मसल्स को रीड करना है या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट तो तुम मेरे मसल्स को देख कर सकती हो तुम चाहो तो इसे टच भी कर लो बेचारी जियो तो इतनी ज्यादा इम्बेस हो गई कि अब उसे बात बदलना ही बेहतर लगा फिर वहाँ से वापस जाने लगी जिस पर रंजो उसे अकेले जाने नहीं देता कहने लगा कि बाहर काफी सारे लड़के हैं मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ उसके फेस पर अपनी शर्ट डालकर वहाँ से बाहर ले जाने लगा बेचारी जियो को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़का करना क्या चाह रहा है इस फनी से सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के नाइन्थ एपिसोड की तरफ एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जियोंग का जिसे रेंचो ने पैसे तो सेंड कर दिए थे पर इतने थोड़े से पैसों से उसका मॉडल आने वाला कहाँ यही सोचते सोचते उसे ख्याल आया मैंने अपने क्लब में साइंस मॉडल रखे होते हैं क्या यही वजह तो नहीं की मेरी बैक्री ऐसी कोई ऑर्डर बुक नहीं करवाता इसीलिए वो मॉडल को बॉक्स में पैक कर देती है यहाँ ऐसी दूर ले जाने के लिए वही कैंपस पीन भी पहुँच जाए उससे पूछती है की अगर तुम इस फ्राइडे को फ्री हो तो मेरे साथ पर चलना इसके लिए सियोग ने भी हाँ बोल दिया क्योंकि वो इसे थैंक यू बोलना चाहती थी वोंग के साथ इसका पेयर बनाने पर फिर बॉक्स देखकर कैंपस क्वीन को याद आया कि मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए केक खरीदना है तो क्यों ना मैं यही वाला ले जाऊँ सियोंग ने उसे मना किया की ये वाला केक मेरे एक स्पेशल फ्रेंड के लिए है मैं आपको दूसरा दे देती हूँ इससे पहले के वो कोई दूसरा केक दे पाती कैंपस क्वीन वही वाला बॉक्स लेकर निकल गयी लेकिन उसे मैसेज करके जरूर बता दिया की जो बॉक्स तुम लेकर गयी हो उसमें केक नहीं बल्कि ह्यूमन स्केलेटन है जिसे मैं अपनी दोस्त को देख उसके साथ प्रैंक करना चाहती थी अब तुम ले ही गयी हो तो इससे डरना मत और मेंटली प्रिपेयर रहना इधर कैंपस क्वीन उसका मैसेज देख भी सीन नहीं करती कहने लगी की मैं जियो को और चांसेस नहीं दे सकती रंचो के करीब जाने के यानी की अब तक उसने जियो की जो भी हेल्प की थी वो सिर्फ इसलिए कि उसे रंचो से दूर कर सके नेक्स्ट सीन में हमें रंचो और सिपाही को दिखाया गया इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी सीरियस इश्यू के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो पीछे ही खड़ा लड़का भी इनकी बातें सुन रहा था वो बेचारा भी आखिरकार तंग होकर कहने लगा कि ओ भाइयों ये क्लाक रेन है कोई तुम लोगों का एग्जाम नहीं जो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो बस जाकर सिक्का डालो जो टोये तो तुम लोगों को चाहिए उसे बाहर निकाल लो इतनी सी ही तो बात है इसके बाद दोनों लग जाते हैं वहाँ से डोल निकालने के लिए सिपाही को तो ये बात पता थी जीनियो को उसका ये गिफ्ट काफी पसंद आएगा लेकिन बेचारा रेंजो तो ये भी नहीं जानता की जियो को डोल पसंद भी होंगे या नहीं काफी ट्राई करने के बाद भी एक टोये तक नहीं निकाल सके इवन के सारे के सारे सिक्के भी खत्म हो गए आखिरकार तो दोनों ओनर के पास पहुंच जाए कि भाई हमें लगता है आपकी मशीन में कोई न कोई खराबी है अभी वहां एक छोटी सी बच्ची आई जिसने क्रेन में सिक्का डाला और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉय निकाल लिया ये देख तो इन दोनों की बोलती ही बंद हो गयी खराबी मशीन में नहीं बल्कि इन दोनों में है इसके बाद वहाँ ऐसी वापस आते हुए रेंचो ने बताया की मैंने जियो को कम्पिटिशन आरोप आने के लिए कहा था पर उसने आने ऐसी मना कर दिया यहाँ जिबाई को जिनियो के लिए रेबिड पसंद आता है और रेंचो फिर से सोच में पड़ गया कि क्या जियोंग को भी रेबिड पसंद होगा या नहीं नेक्स्ट सीन में रेंचो को प्रोफेसर जू के साथ दिखाया गया जो यकीनन यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए ही आया था तभी उसे जियोंग नजर आई एक मॉडल के साथ उससे यहाँ आने की वजह पूछता है जिस पर उसने बताया कि मैं मॉडल खरीदना चाहती थी और अच्छा हुआ कि यहाँ से कम कीमत पर सेकंड हैंड मिल गया रेंचो बोला की साइकिल के साथ ऐसे पैदल जाने में तुम काफी थक जाओगी चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ आऊंगा अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं जहाँ जियोंग उससे पूछ रही थी की तुम प्रोफेसर जू ऐसी यहाँ एडमिशन के सिलसिले में मिलने आए तो फाइनली तुमने यूनिवर्सिटी चेंज करने का डिसीजन ले ही लिया चलो अच्छी ही बात है वैसे तुम भी तो यही चाहते थे रेंचो बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा डिसीजन 100 परसेंट ठीक है जिस पर ज्योक कहने लगी कि वहाँ प्रोफेसर जू जैसे टैलेंटेड टीचर्स है तो टैलेंटेड स्टूडेंट को भी वहाँ होना चाहिए आफ्टर दैट ये दोनों टैक्सी में बैठ हॉस्टल जाते हैं जहाँ रेंचो को तो मॉडल ऐसी काफी ज्यादा हिजिटेशन हो रही थी लेकिन ज्योन् उसे फ्रंट पर नहीं रखने देती रेंचो बोला की अब तुम्हें डर नहीं लगता की कोई हम दोनों को साथ देख लेगा जिस पर ज्यो कहने लगी कैंपस क्वीन और कैंपस किंग इतने फेमस हो गए हैं कि भला मुझे पहचानने वाला कौन हो यहाँ अभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी और इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था की अंधेरे में भी मुझे किसी ने पहचान लिया वो कोई और नहीं बल्कि जिबाए ही था जियोंग से हेल्प मांगने के लिए आया है क्योंकि उसे सीनियो के लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करना था रेंचो उसका मॉडल रखने के लिए चला जाता है और यहाँ जिबाई जियोंग से पूछने लगा की तुम रेंचो से कहाँ मिली जिस पर जियोंग बोली के वो तो मुझे यूनिवर्सिटी के पास से मिला शायद ही प्रोफेसर जू से एडमिशन के सिलसिले में बात करने गया हो और वैसे भी हम दोनों ऑर्डनरी क्लासमेट है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं जिबाई बोला की हाँ रेंचो ने मुझे बता दिया था लेकिन उसने तो यूनिवर्सिटी चेंज करने का डिसीजन वापस ले लिया था फिर वहाँ किस सिलसिले में गया होगा इससे जियोंग को याद आया कि पता नहीं मैंने तो इसे क्या कुछ कह दिया था पर इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जा रहा जिबाई को बताती है कि पता नहीं इस लड़के को आजकल हो क्या गया है पहले जैसा एटीट्यूड नहीं रहा और ना ही मुझे बुले करता है बल्कि इसने कितनी बार मेरी हेल्प की जिस पर उसने दिया कि अगर तुम्हें वाकई ही इसके लिए सॉरी फील हो रहा है तो तुम्हें फ्राइडे को इसका कंपटीशन देखने के लिए जाना चाहिए इस पर जियोंग ने भी कैंपस क्वीन को मैसेज करके बता दिया कि मैं फ्राइडे को तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकूंगी अगला सीन हमें कंपटीशन का दिखाया गया जहाँ जियोंग आती ही कैंपस क्वीन को देख लेती है और फिर खुशी खुशी ऐसी जाकर उसके पास बैठ गई साथ ही साथ उसे सोरी भी कर दी जबकि वो तो इसे मुँह भी नहीं लगाना चाहती क्यूँकी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रेंचो को पटाना था रेंचो को भी जियोंग को यहाँ देख अच्छा लगा जबकि कैंपस सोच रही थी कि शायद रेंचो उसे देख रहा है अभी हमारी जियोंग को मैसेज आता है शाओ का जिसे रिप्लाई देने में वो इतना ज्यादा मसरूफ हो गई कि कंपटीशन पर उसका फोकस ही नहीं रहा रेंचो ये कंपटीशन जीत जाता है और जब उसने जियोंग की तरफ देखा तो वो अपने फोन में मसरूफ थी ये देख कर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जियोंग सोच रही थी की इतना जल्दी जल्दी सब कैसे हो गया मैंने बस एक रिप्लाई ही तो दिया था और ये जनाब वहाँ पहुँच भी गया नेक्स्ट सीन में कैंपस में इन्हीं से कॉन्ग्रेचुलेसन कहती है जबकि वो इसे इग्नोर करके जियोंग से पूछने लगा कि तुमने मेरे लिए चीरअप क्यू नहीं किया जियोंग ने उसे अपनी ये फनी सी वजह बताई पीछे ऐसी उसका दोस्त आकर उसके हाथ के बारे में पूछता है कहने लगा की शुक्र है तुम्हारे हाथ की वजह ऐसी तुम्हारे कम्पिटिशन आरोप कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर जियोंग को याद आया की ये सब कुछ तो मेरी वजह ऐसी हुआ इसलिए उसने रेंजो को सोरी कर दी कैंपस क्वीन ऐसी बातें सुनाने लगी कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो जिस पर रेंजो ने तो उसे ही डांट दिया कि यह हम दोनों की आपस की बात है तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए साथ ही जियोंग को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक रैबिट खरीदा है आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा डायरेक्टली ही कैंपस क्वीन को वहाँ से जाने के लिए कहा और जियो को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है कैंपस क्वीन को उन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसके बाद जब वो बॉक्स ओपन करती है ने स्केलेटन रखा हुआ था तो वो देख काफी ज्यादा डर गयी थी और काफी ज्यादा गुस्सा भी आया कहने लगी की जियोंग ने जान मुझे बुले करने की कोशिश की है अब तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी नेक्स्ट सीन में जिबाए को वो रेबिट देता है और बताता है कि मैंने रेंचो के साथ जाकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा था गिफ्ट तो उसे बहुत अच्छा लगा पर यह जानकर काफी हैरान हो गई कि रंचो जीबाई के साथ शॉपिंग पर गया था क्योंकि उसे शॉपिंग पर जाना नहीं पसंद दूसरी तरफ हम रंचो को देखते हैं जो एक बार फिर से उस क्रेन से टॉय निकालने की कोशिश कर रहा था कई बार फेल होने के बावजूद भी वो कोशिश करता रहा शॉप ओनर भी ये बात जान गया की वो हर हाल में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये गिफ्ट लेकर जाना चाहता है इसलिए उसे कुछ इजी ट्रिक्स भी बताई फाइनली वो टॉय निकालने में कामयाब हो गया और उसने यही सारी बातें जियोंग को गिफ्ट के साथ एक नोट में लिखी हुई थी बताया कि मैं तुम्हारे लिए जानदार रैबिट तो खरीदना चाहता था पर तुम्हें हॉस्टल में रखने नहीं देंगे इसलिए नहीं खरीद पाया कई बार अटेम्प्ट करने के बाद ही मैं तुम्हारे लिए ये प्यारा सा रैबिट ला पाया जिसे देखकर जियोंग भी काफी ज्यादा खुश थी इधर रेंचो को भी जियोंग का दिया हुआ गिफ्ट काफी पसंद आया और आज जो उसके फेस पर स्माइल थी ये यकीन जियोंग की वजह से ही पॉसिबल हो सका इसके बाद क्लास का सीन दिखाया गया जहाँ सभी स्टूडेंट्स को नेशनल डे की छुट्टी मिल गई लेकिन टीचर ने एक और बम गिरा दिया कि हॉलीडे के बाद आपका क्विज होगा ये बात सुन कर तो सभी स्टूडेंट्स के मूड ऑफ हो गए दूसरी तरफ हमें रेंचो को कंप्यूटर लैब में दिखाया गया क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर रहा तो यहाँ पर उसे एक्सपेरिमेंट करने थे तभी उसकी नजर रोबोट पर पड़ी जो कि उसी साइड पर जा रहा था जहाँ सियोग शॉ के साथ बेंच पर बैठी हुई थी सियोंग के पास आकर पूछता है की प्रीटी गर्ल क्या एक सर्वे को कम्प्लीट करने में तुम मेरी हेल्प करोगी जिस पर वो हाँ कह देती है और कहने लगी की तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लो रोबोट ने सिर्फ इतना ही पूछा की नेशनल डे पर तुम कहाँ जाने वाली हो जिस पर वो बोली के कहीं भी नहीं बस अपने घर बैठ एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगी और जब शव ऐसी पूछने की बारी आती है तो रोबोट वहाँ ऐसी चला गया मुझे ऐसा क्यूँ लगता है की इसे कंट्रोल करने वाला जरूर रन ही था इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के टेंथ एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिनियो को दिखाया गया जो कि नेशनल डे के हॉलीडेज पर घर जाने वाली थी और जिबाई को बताती है कि अपना ख्याल रखना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी से करना अगर तुम नहीं करोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी इधर बेचारा रेंचो भी उसका सामान लेकर खड़ा था कहने लगा तुमने मुझसे झूठ क्यूँ बोला की जिबाई तुम्हें छोड़ने नहीं आने वाला और तुम सिर्फ एक हफ्ते के लिए घर जाने वाली हो इतना सारा सामान ले जाकर क्या करोगी इस पर जिनियो बोली की अगर जिबाई के हाथों तो में पेन शुरू हो गया तो और ये इतना सारा सामान भी नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड का जाकर देखो ना जरा दूसरी तरफ हमें जियोंग को दिखाया गया जो अपना बड़ा सा बैग पैक करके रेडी हो गई थी घर जाने के लिए बेचारे वोंग को पछतावा हो रहा था कि काश मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ना पूछता तुमने तो सारा क्लास रूम ही पैक कर दिया है इधर जियोंग की मोम नेशनल डे के लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर कर रही थी जिसमे डैड उसकी हेल्प करता है तभी वोंग जियोंग के साथ सारा सामान लेकर इंटर हुआ जिसे देख ये दोनों तो शॉक्ट हो जाते हैं पर साथ ही साथ मोम को वोंग जियोंग के लिए पसंद आ गया जियोंग ने बताया की ये लड़का मेरा भाई है नहीं तो फिर इसे मेरी बहन ही समझ लो अब इससे पहले के मोम कोई और सवाल कर पाती जियोंग ने उनके कपड़ों की तारीफे शुरू कर दी नेक्स्ट सीन में हमें जियोंग को स्टडी करते हुए दिखाया गया और हमेशा की तरह उसे क्वेश्चन सोल्व करने में काफी मुश्किल हो रही थी तभी वहाँ जियान पहुँच आया जो स्टडी में इसकी हेल्प करना चाहता था पर जियोंग ने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया उसे ये कहकर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए लेकिन वो बोला कि जिया अपनी मोम के साथ ब्रॉड ट्रिप आरोप गयी है तो क्यों ना मैं स्टडी में तुम्हारी हेल्प करूं फिर उसके इतना इंसिस्ट करने पर जियोंग भी उसकी हेल्प ले लेती है लेकिन साथ ही साथ उसे हाई स्कूल के डेज याद आ रहे थे जब जियान उसे पढ़ाया करता था दूसरी तरफ फ्रेंच भी यहाँ पहुँच आया बहाना तो उसका फ्रूट खरीदने का था लेकिन असल में वो जियोंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और जब उसने इन दोनों को साथ देखा तो बेचारे को काफी जोर का झटका लगा कहने लगा मिस्टर जियान तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है मैं नहीं चाहता कि तुम जियोंग को मिसलीड करो अब वो भी अच्छे ग्रेड्स लेने वाला स्टूडेंट था। कहने लगा कि तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो और क्लिनिकल सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पता इसलिए बेहतर होगा कि टांगे मत अड़ाओ इधर रेंचो भी जिद पर अड़ गया कि मैं जियोंग को तुमसे बेहतर पढ़ा सकता हूँ और देखना वो हाई ग्रेड्स लेकर दिखाएगी उधर जान में गुस्से में आ गया क्या हाँ, देख लेंगे कौन कितना पानी में है बेचारी जियोगी ने समझाने की कोशिश करती है की मेरे ग्रेड्स पर शर्त लगाने वालों कम अज कम पहले मुझसे तो पूछ लो उन दोनों की लड़ाई मोम भी सुन लेती है और डैड को भी जल्दी जल्दी ऐसी बुला लिया ये हैंडसम सा लड़का रेंचो दिखाने के लिए अगले सीन में हमें जियोंग को सुबह सुबह उठते हुए दिखाया गया क्योंकि रेंचो ने ही उसे कहा था उठने के लिए और बताया कि मैं तुम्हें खुद ही पढ़ाऊंगा उसके मॉम डैड के लिए भी ये अच्छी ही बात थी क्योंकि इससे पहले जियोंग कभी भी सुबह सवेरे नहीं उठी ब्रेकफास्ट के टाइम पर वहाँ जिया भी पहुँच जाए जिसे देखकर जियोंग तो उसे कुछ अच्छे से बात नहीं करती पर मॉम ने उसे अपने साथ बैठ कर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा बातों ही बातों में उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है जिस पर जिया ने बताया की जियान ही मेरा बॉयफ्रेंड है और ये सुनकर तो मॉम सारी कहानी समझ गयी की इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है मोम के यहाँ से जाने के बाद जिया ने बताया कि मैंने अपनी मोम से लड़ाई कर ली थी इसलिए मैं उनके साथ अब्रोड ट्रिप पर नहीं गई जियोंग जानती थी, थी कि उसे अकेले रहने में डर लगता है इसलिए कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो रात को मेरे घर में रुक सकती हो जिया भी उसे सॉरी करना चाह रही थी उसने जियोंग के साथ जो कुछ भी किया पर क्लियर वर्ड्स में कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही इसके बाद हम रंचो को देखते हैं जो जियों की जियोंग की स्ट्रीट में अपनी साइकिल पार्क करता है जिसे देखकर जियान कहने लगा की ये पार्किंग की जगह नहीं पर जब उसने एक और लड़की को साइकिल पार्क करते हुए देखा तो वो समझ गया कि जियान ये सब कुछ इसलिए कह रहा था ताकि वो मुझसे जल्दी पहुंच सके अब वो भी जियोंग के पास जल्दी पहुंचने के चक्कर में वहां से भागने लगा और शॉर्टकट लेकर दोनों एक साथ ही वहां पहुंच गए जियोंग और जिया भी इन दोनों को ऐसे देख कर हैरान हो जाती है और मोम को तो देख कर अच्छा ही लगा कहने लगी चलो आज हम सब साथ बैठ कर ब्रेकफास्ट करेंगे जिया के पूछने आरोप जियान ने बताया की हम दोनों जियोंग को पढ़ाने आए हैं तो इस पर जियोगो ऐसी इशारा करते हुए बताने लगी की प्लीज इसे यहाँ ऐसी ले जाओ मैं नहीं पढ़ना चाहती फिर जिया जियान को अपने साथ जाने के लिए कहा उसे ये कह करके मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है जियान ने भी रेंचो से लगाई हुई शर्त वापस ले ली जिस पर वो कहने लगा कि चाहे तुम शर्त वापस ले लो पर मैं अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटूंगा अगले ही सीन में जियोंग को स्टडी करते हुए दिखाया गया और रेंचो खड़ा सोच रहा था की इसके अच्छे ग्रेड लाने के लिए इस पर कौन से ट्रिक्स अप्लाई किए जाए तभी वो जियोंग को कुछ सिचुएशन देता है कहने लगा की मेरे दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है अब तुम्हें क्या लगता है की उसे कौन सी डिजीज होगी जियोंग ने भी काफी अच्छे से उसे डिजीज डिटेक्ट करके बताई और जब उसके दोस्त का नाम पूछा तो इस पर रेंचो ने सू का नाम बताया इसके बाद एक और केस बताया जिसमे हिप और हैंड फ्रैक्चर हो गया था और डिटेक्ट करने पर जियोंग ने जब उसके दोस्त का नाम पूछा तो इस बार भी उसने सू का ही नाम बताया अब जियोंग कहने लगी की सू को इतने सारे मसले एक साथ कैसे हो गए तुम्हें तो उसका चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए वरना तो कोई सीरियस इशू भी हो सकता है जबकि वो तो जियोंग को इनडायरेक्टली पढ़ाना चाह रहा था और उसे पता भी लगने नहीं देता इसके बाद वो जियोंग को इंग्लिश सिखाने के लिए एक मूवी टाइटर ले आया था मूवी के सब ऑफ कर दिए और रिमोट की बैटरी भी अपनी पॉकेट में डाल दी उसका कहना था की अगर तुम इंग्लिश को सुनकर प्रैक्टिस करोगी तो ऐसी जियो को मूवी देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था वो रेंजो से बैटरी लेने की कोशिश करने लगी और इस तरह इन दोनों का रोमांटिक सा क्यूट सा मोमेंट बन जाता है उसी तरफ हमें जियान और जिया को दिखाया जाता है जहाँ जिया उसे पूछने लगी की क्या फ्यूचर में कभी भी तुम्हारा अब्रोड जाने का या वहाँ स्टडी करने का कोई प्लान है जिसके लिए जियान ने तो उसे मना कर दिया यह कहकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता पर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर है जो जिया जियान को नहीं बता पा रही इसके बाद मोम जियोंग से पूछ रही थी कि जियान जिया का बॉयफ्रेंड है इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जिस पर वो बोले कि शायद आपको ये बताना जरूरी नहीं था या फिर शायद मुझ में बताने की हिम्मत नहीं थी लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ की वो दोनों रिलेशनशिप में है और इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मोम को भी उसकी ब्रेवनेस देख काफी अच्छा लगा लेकिन कहने लगी की वो जो सुबह लड़का आया था रेंजो वो मुझे जियान से काफी ज्यादा अच्छा लगा जियोंग भी अच्छे से समझ गई कि मोम क्या कहना चाह रही है इसलिए उनको सोने के लिए भेज दिया ये कह कर के मोम मैं कभी कभी तो घर आती हूँ प्लीज मुझे आराम से गेम खेलने दे इसके बाद रात का सीन दिखाया गया जहाँ जियोंग और जिया दोनों एक ही बेड पर लेटी तो हुई थी पर एक दूसरे से बात करने में उन दोनों को काफी दिक्कत हो रही थी जियोंग पहले बात करते हुए पूछने लगी की तुम स्टडी करने के लिए ब्रॉड जाने वाली हो क्या तुमने इस बारे में जियान को बताया जिस पर वो बोली की मैं स्टडी करने के लिए ब्रॉड नहीं जाना चाहती इसीलिए तो मैंने अपनी मोम से लड़ाई भी की और मुझे समझ नहीं आ रही कि की बात मैं जियान को कैसे बताऊं। जियोंग ने उसे समझाया कि जियान काफी रिलायबल है वो तुम्हारी हर बात समझने की कोशिश करेगा एक बार तुम उसे हिम्मत करके बताओ तो सही बातों ही बातों में रंचो का जिक्र स्टार्ट हुआ जिस पर जियोंग कहने लगी की जब जब वो मुझे अच्छा लगने लगता है तब वो कुछ ऐसी अजीब ऐसी हरकत कर ही देता है तुमने देखा नहीं वो सुबह कैसे बिहेव कर रहा था जिया बोली अब बस भी कर दो यार कब तक छुपाओगी की वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिस पर जियोंग कहने लगी की तुम पागल हो गयी हो हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगली सुबह नेशनल डे पे सभी अच्छे से तैयार हो गए थे जहां मॉम परफॉर्म करने वाली थी और उन्हें काफी एंजाइटी होती है जिया ने उनका अच्छे से मेकअप किया फिर उनके साथ बाहर जाती है और आज जियोंग को भी काफी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि अब उसे जियान और जिया के रिलेशनशिप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता तीनों ही पहले की तरह अच्छे दोस्त बन गए लेकिन जियान को अब रेंचो का इनके बीच आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जियोंग ने जिया को इशारा करके जियान को वहाँ से ले जाने के लिए कहा इसके बाद वो रेंचो को नेशनल फ्लैग देती है फेस पर लगाने के लिए और जब वो नहीं लगा पा रहा था तो जियोग ही उसके फेस पर लगाने में हेल्प करती है जो कि रेंजो को काफी अच्छा लगा इसके बाद वो सभी साथ बैठकर की परफॉर्मेंस देखते हैं और जियोंग ने खुद को समझा दिया था कि वो लाइफ में मूव ऑन कर लेगी क्योंकि क्या हुआ अगर जियान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सका और वैसे भी ये लाइफ है अनएक्सपेक्टेड चीजें तो होती रहेंगी लेकिन रेंजो की कंफ्यूजन क्लियर हो गयी थी की उसे जियोंग से प्यार हो गया है और इस सच्चाई को वो जुटला नहीं सकता नेक्स्ट सीन में स्कूल वापस आते हुए जियोंग को नजर आया जिसे देख वो पूछने लगी की ने अपना चेकअप करवा लिया था वैसे तो देखने में तुम अब बिल्कुल ठीक लग रहे हो बेचारा सु तो जानता भी नहीं था की सियोग क्या बात कर रही है लेकिन रंचो फोरन ऐसी कहने लगा की हाँ हाँ मैंने इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका चेकअप करवा दिया था ये सुनकर तो सू सारा माजरा समझ गया कहने लगा की आजकल स्कूल में मुझे काफी ज्यादा कपल्स नजर आ रहे हैं तुम दोनों बताओ एक दूसरे के हाथों तो में हाथ डालकर कब चलने वाले हो सियोग बोली के तुम्हें जरूर गलत फहमी हो गई होगी रंचो अच्छा लड़का है और अच्छा बॉयफ्रेंड भी बन सकता है लेकिन हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और वैसे भी मैंने सोच ली है कि मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी बल्कि अपनी स्टडी पर फोकस करूंगी बेचारे रेंचो ने तो अभी अपनी फीलिंग्स रियलाइज की ही थी कि उस पर एक और बम गिर पड़ा इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ